हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मीरा इंस्टीट्यूट मैं आपका जी एजुकेटर और को प्रभ मुखर्जी लेकर आ गए हैं द यूनियन बजट 2024 का डिटेल्ड एनालिसिस सेशन तो सबसे पहले ये बताओ कि कैसे हो तुम सभी अथर्व शिंडे गुड आफ्टरनून एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून ठीक है जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ तो स्टार्ट करते हैं ठीक है प्रणय वंजारी गुड आफ्टरनून सर वेरी गुड आफ्टरनून प्रणय वेरी गुड आफ्टरनून ठीक है तो आज हम लोग क्या करेंगे यूनियन बजट के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है देखो यूनियन बजट जो है मेंस एग्जाम में तो देखने को मिलेगा अभी सामने जो है एसबीआई क्लर्क मेंस है बाकी जो इंश्योरेंस एग्जाम भी जो आने वाले हैं उसमें भी तुमको वहां पे देखने को मिलेगा उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आई बी पीओ के जो इंटरव्यू है ठीक है तो जो लोग यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए उन लोगों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू में आदित्य गुड आफ्टरनून विश यू ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून तो चलो स्टार्ट करते हैं यूनियन बजट 2024 ठीक है तो इस साल का जो बजट था वो था इंटरिम बजट इंटरिम बजट यानी कि देखो अगर इलेक्शन से पहले ना वो जो कुछ महीने होते हैं दो तीन महीने उस समय सरकार के पास जो है फंड कैसे रहेगा वो कैसे चलाएगा ठीक है उस समय तो उसके लिए लाया जाता है इंटरिम बजट अब बात यह है कि जो इंटरिम बजट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है तो वो सरकार के ऊपर है कि वो इंटरिम बजट पेश कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है तो जो मेनली जो फुल बजट होता है वो इस साल जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा जुलाई महीने में ठीक है याद रखना जो फुल बजट है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा जुलाई महीने में तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ठीक है अंकित गुप्ते गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून गौरी गुड आफ्टरनून विभा गुड आफ्टरनून चलो स्टार्ट करते हैं और लेट नहीं करते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आ, ये जो बजट है ना बजट जो है हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में बजट के नाम से कुछ मेंशन नहीं किया गया है असल में क्या कहा जाता है उसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करते हैं कि आने वाले जो फिजिकल है, है उसमें गवर्नमेंट का अर्निंग कहां से हुआ है एंड वो कैसे कौन से सेक्टर्स में जो है वो खर्चा करेंगे ठीक है तो उसके बारे में जो है के एस्टिमेट वो जो है यहां पे हम लोग के सामने प्रेजेंट करते हैं थ्रू दिस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है तो देखो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज रिक्वायर्ड याद रखना है कि अंडर आर्टिकल 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो है जरूरत पड़ता है अगर गवर्नमेंट को अगर पैसा निकालना है फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अब क्वेश्चन ये आता है कि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता क्या है अब देखो, क्या है? देखो, जो रेवेन्यू रिसीट्स जो मान लो थ्रू टैक्स रेवेन्यूज यहां पे हो गया, मिल गया, फिर ये सब पैसा जो, जो इकट्ठा जमा किया जाता है उसे कहा जाता है कॉन्सोलीटेड फंड ऑफ इंडिया अब गवर्नमेंट जो है अपने मनमानी से जो है वहां से पैसे नहीं निकाल सकते उसके लिए क्या है पार्लियामेंट्री अप्रूवल का जरूरत पड़ता है सबसे पहले क्या है लोकसभा में जो है मेजोरिटी जो है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा उसके बाद यह जाएगा कहाँ पे ये जाएगा राज्यसभा में एंड लास्टली जो है प्रेसिडेंट के अंडर में जो है ये पास होगा देन ओनली जो है यहाँ पे जो है फंड मिलेगा यूनियन गवर्नमेंट को खर्चा करने के लिए तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है इसे कहा जाता है अप्रोप्रिएशन बिल इसे कहा जाता है अप्रोप्रिएशन बिल ये जो अप्रोप्रिएशन बिल ये पास होगा एंड लास्टली जो है अप्रोप्रिएशन एक्ट के तौर पे जो है इसे माना जाएगा एंड देन ओनली गवर्नमेंट जो है इस पैसे का इस्तेमाल कर सकता है ठीक है नीलाद्री चक्रवर्ती हेलो सर होप यू आर यस ऑब्वियसली ऋतुजा गुड आफ्टरनून सर चलो आर्टिकल uh, 112 टू 117 में ये कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक है कि ये जो है डील करता है किसको लेके फाइनेंशियल मैटर एंड 114 में ये कहा गया है कि कोई भी पैसा जो है विदड्रॉ नहीं कर सकता ठीक है सरकार कोई भी पैसा जो है विदड्रॉ नहीं कर सकता फ्रॉम द कॉन्सुलटेड फंड विदाउट द इनैक्टमेंट ऑफ अ लॉ ठीक है जिसे क्या है अप्रोप्रिएशन बिल कहा जाता है यही अप्रोप्रियशन बिल जो है पहले लोकसभा राज्यसभा एंड देन प्रेसिडेंट के थ्रू पास करके ये जो है एक लॉ के तौर पे जो है इसे पास किया जाता है देन ओनली जो है गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इस कॉन्सोलेटेड फंड का इस्तेमाल कर सकता है डिफरेंट सेक्टर्स में जो है खर्चा करने के लिए क्लियर है इतना चलो आगे बढ़ते हैं अब बात आ जाता है कि इंटरिम बजट एंड जो फुल बजट है ठीक है उसके बीच में उसके बीच में डिफरेंस क्या है अब देखो इंटरिम बजट क्या है कि इलेक्शन से पहले अब देखो यहाँ पे इलेक्शन कब होने वाला है मई महीने में इलेक्शन होने वाला है हम लोग को जून में रिजल्ट देखने को मिलेगा एंड हम लोग का जो फाइनेंशियल ईयर है ये कब से स्टार्ट होता है अप्रैल फर्स्ट से स्टार्ट होता है एंड एंड होता है कब थर्टी फर्स्ट मार्च को एंड होता है अब यहाँ पे जो अप्रैल मई एंड जो जून महीने में यहाँ पे सरकार का जो खर्चा है वो सरकार कैसे खर्चा करेगा कौन कौन से सेक्टर्स में खर्चा करेगा तो उसके लिए कुछ पैसों का जरूरत पड़ेगा ठीक है एंड एंड सरकार का कुछ प्लान रहेगा तो उसके लिए जो है एक इंटरिम बजट जो है सरकार पेश करते हैं याद रखना इंटरिम बजट को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन नहीं किया गया है तो इसलिए जो है वो सरकार के ऊपर है कि वो उसे पेश करेगा कि नहीं करेगा बट जो

मिलेगा देखो अब बात आ जाते हैं कि ये जो गवर्नमेंट यहां पे जो हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट अपना अर्निंग बताता है एंड जो यहां पे एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है तो ये कौन कौन से सेक्टर से करते हैं कौन कौन से सेक्टर से गवर्नमेंट को अर्निंग हो रहा है कितना परसेंट अर्निंग हो रहा है एंड कौन कौन से सेक्टर्स में गवर्नमेंट जो है खर्चा करते हैं मान लेते हैं ये पूरा जो है सौ रुपए है ठीक है मान लेते हैं ये पूरा सौ रुपए है तो समझने में आसानी होगा ठीक है मान लेते हैं ये पूरा अगर सौ रुपए है तो इनमें से जो उन्नीस रुपए है इनकम टैक्स से आता है गवर्नमेंट का जो इनकम है देखो रूपी कम्स फ्रॉम यानी कि गवर्नमेंट का यहां पर जो है रेवेन्यू के बारे में बातचीत किया जा रहा है तो जो नाइनटीन परसेंट है वो किससे आ रहा है इनकम टैक्स से आ रहा है ठीक है जो डायरेक्ट टैक्स है उससे आ रहा है इनकम टैक्स से आ रहा है बाकी यहाँ पे जो है यूनियन एक्साइज ड्यूटीज से फाइव परसेंट देखने को मिलता है ठीक है तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर जो मान लो जो एक्साइज ड्यूटीज लगते हैं ठीक है थीके? तो उससे जो है गवर्नमेंट को कितना इनकम होता है फाइव परसेंट यानी कि सौ रुपए में पांच रुपए जो है ये एक्साइज ड्यूटीज से देखने को मिलता है उसके बाद जो कारपोरेशन टैक्स है जो कारपोरेट टैक्स है वो क्या है सेवनटीन परसेंट लगता है जो कॉरपोरेट टैक्स है वो कितना है सेवनटीन परसेंट लगता है यानी कि सौ रुपए में सत्रह रुपए जो है यहाँ पे कॉरपोरेट टैक्स से देखने को मिलता है ठीक है देन जो अदर टैक्सेस है यानी कि जो इनडायरेक्ट जो टैक्सेस है जैसे मान लो जीएसटी हो गया उससे कितना देखने को मिलता है एटीन परसेंट एंड हालांकि हम लोगों को अभी क्या देखने को मिल रहा है कि जीएसटी से गवर्नमेंट का इनकम जो है वो बढ़ रहा है इस साल का जो एवरेज के बारे में अगर बात करें बच्चों तो क्या है वन पॉइंट सिक्स सिक्स लाख करोड़ का जो है एवरेज रहा है जो क्या है बहुत ज्यादा है क्योंकि शुरुआत में इतना सोचा नहीं गया था कि जीएसटी से इतना इनकम होगा गवर्नमेंट का धीरे धीरे जो है लोग जुड़ते जा रहे हैं एंड अल्टीमेटली जो है गवर्नमेंट का इनकम भी बढ़ रहा है ठीक है तो नाइनटीन इनकम टैक्स जो एक्साइज ड्यूटी से फाइव परसेंट कॉर्पोरेट जो कॉर्पोरेशन टैक्स है उससे सेवनटीन परसेंट एंड जीएसटी से जो है एटीन परसेंट जो है टैक्स मतलब यहां से जो है गवर्नमेंट इनकम करते हैं देन बात करें अगर कस्टम ड्यूटीज जो कस्टम ड्यूटीज है उसमें से सिर्फ जो है फोर परसेंट गवर्नमेंट अर्निंग करते हैं एंड यहाँ पे देखो नॉन डेट कैपिटल रिसीट नॉन डेट कैपिटल रिसीट नॉन डेट कैपिटल रिसीट का मतलब क्या है कि मान लो गवर्नमेंट के पास ध्यान से सुनना मान लो गवर्नमेंट के पास कुछ एसेट्स हैं मान लो गवर्नमेंट के पास कुछ एसेट्स हैं उस एसेट को बेच कर अगर गवर्नमेंट अगर पैसा कमा रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे नॉन डेट कैपिटल रिसीट उसे हम लोग क्या कहेंगे नॉन डेट कैपिटल ये कैपिटल रिसीट अगर मान लो एसेट को बेचकर गवर्नमेंट अगर कुछ पैसा कमा रहा है तो ऐसे मौके पे गवर्नमेंट कितना कमाता है वन परसेंट जो है जो यहां पे जो पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास वो क्या है नॉन डेट कैपिटल रिसीट के फॉर्म में आता है देन जो नॉन नॉन टैक्स टैक्स रिसीट रिसीट है है का मतलब क्या है? जैसे मालो, जैसे जैसे मान 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 लो 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 डिविडेंड्स डिविडेंड्स हो हो गया जैसे हो गया या फिर मान लो जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने मान लो किसी कंट्री को लोन दिया है या फिर किसी स्टेट को लोन दिया है वहां से जो है इंटरेस्ट ले रहा है ठीक है जो इंटरेस्ट वहां से ले रहा है ये भी हो सकता है ये भी जो है तुम्हारा नॉन टैक्स रिसीट में आ जाएगा इंटरेस्ट देन मान लो जो गवर्नमेंट जो एग्जाम मान लो जैसे एसएससी हो गया यूपीएससी हो गया वहां पे तुम जो फीस भर रहे हो ठीक है तो वो भी एक गवर्नमेंट का इनकम होता है तो वो उससे भी जो है गवर्नमेंट जो है पैसा कमाता है ठीक है फिर पेट्रोलियम के वहां से जो टैक्सेस लेते हैं ठीक है हर एक चीज से जो टैक्सेस लेते हैं तो उससे भी जो है यहाँ पे जो है नॉन टैक्स रिसीट के तौर पर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि सेवन परसेंट जो है गवर्नमेंट यहाँ पे कमाता है बाकी जो है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ ठीक है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ यानी कि बाहर से जो कर्जा लेते हैं ठीक है देखो गवर्नमेंट कर्जा क्यों उठाते हैं गवर्नमेंट मेनली कर्जा उठाते हैं ट्राई करते हैं कि वो जो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे बिल्डअप करें ठीक है यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ये चाहता है कि हम लोग जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर ज्यादा ध्यान दें ताकि लॉन्ग टर्म में जो है इसका हम लोगों को बेनिफिट देखने को मिलेगा ये जो है गवर्नमेंट का जो है मेन एम है अब उसके लिए जो है गवर्नमेंट बोरो भी करता है बाहर से ये हम लोगों को आए दिन करंट अफेयर्स में देखने को भी मिलता है कि गवर्नमेंट बोरो कर रहा है तो गवर्नमेंट कितना परसेंट बोरो करता है ट्वेंटी जो है बोरो करता है तो ये जो है सेक्टर्स हैं बच्चों इसको नोट डाउन कर लेना है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन से सेक्टर से जो है गवर्नमेंट इनकम करता है तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं इनकम टैक्स के लिए 19% एक्साइज ड्यूटीज के लिए 5% कॉरपोरेशन टैक्स के लिए 17% जीएसटी एंड अदर टैक्सेस के लिए 18% कस्टम्स के लिए 4% जो नॉन डेट कैपिटल रिसीट है उसके लिए 1% जो नॉन टैक्स रिसीट है उसके लिए 7% एंड बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज के लिए 28% क्लियर है क्लियर है चलो चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोगों ने तो देख लिया कि गवर्नमेंट का इनकम कहाँ से हो रहा है गवर्नमेंट के पास पैसा जो है कहाँ से आ रहे हैं अब गवर्नमेंट खर्चा भी तो करेगा अब कौन कौन से सेक्टर्स में जो है गवर्नमेंट खर्चा करते हैं एक बार देख लेते हैं देखो रुपी गोज टू यानी कि ये जो है एक्सपेंडिचर ये जो है एक्सपेंडिचर के बारे में बोला जा रहा है देखो गवर्नमेंट जो खर्चा करते हैं ना उसका फोर परसेंट जाता है पेंशन में उसका फोर परसेंट जाता है पेंशन्स में देखो जो डिफेंस सेक्टर्स हैं फिर जो पहले जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम कर चुके हैं उन लोगों को जो है गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी जो है पेंशन दिए जाते हैं तो गवर्नमेंट का मान लो अगर सौ रुपए होता है उसमें से चार रुपए जो है वो क्या है पेंशन में खर्चा करते हैं देन अदर एक्सपेंडिचर्स में जो है नाइन परसेंट यहाँ पे जो है गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है देन जो स्टेट का शेयर है टैक्सेस एंड ड्यूटीज के लिए वहां पे जो है ट्वेंटी परसेंट गवर्नमेंट को यहां पे जो है देना पड़ता है फिर फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स जो फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स के लिए जो है गवर्नमेंट को एट परसेंट जो है यहां पे खर्चा करना पड़ता है उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स उसके लिए सिक्सटीन परसेंट अब देखो यहां पे दो टर्म देखने को मिलेगा एक है सेंट्रल सेक्टर एक है सेंट्रल सेक्टर एक है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड ठीक है एक है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम अब ये जो सेंट्रल जो सेक्टर स्कीम है ना इसका मतलब क्या है इसमें जो है हंड्रेड परसेंट जो है ये क्या है कंट्रीब्यूशन रहेगा हंड्रेड परसेंट कंट्रीब्यूशन रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो हंड्रेड परसेंट जो कंट्रीब्यूशन रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसमें गवर्नमेंट का खर्चा कितना है सिक्सटीन परसेंट यानी कि सौ रुपए में से सोलह रुपए जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के पीछे जो है वो यहां पे खर्चा करते हैं देन डिफेंस सेक्टर में जो है एट परसेंट है इंपॉर्टेंट बन जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं ठीक है ठीके? कि डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट कितना खर्चा करता है मान लो अगर मान लो ये पूछ लिया तो इसमें आंसर क्या होगा एट परसेंट एट परसेंट जो है डिफेंस सेक्टर में हम लोगों को गवर्नमेंट के तरफ से देखने को मिलता है खर्चा देन सब्सिडीज गवर्नमेंट जो सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं उसके पीछे जो है गवर्नमेंट खर्चा करते हैं सिक्स परसेंट सिक्स परसेंट जो है यहाँ पे गवर्नमेंट खर्चा करते हैं देन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अब देखो यहां पे मैंने बोला सबसे पहले सेंट्रल सेक्टर स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम यानी कि 100 परसेंट कंट्रीब्यूशन रहेगा अब देखो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे मान लो वो जल जीवन मिशन जैसे मान लो जल जीवन मिशन ठीक है अब जो जल जीवन मिशन है यहां पर क्या है ये क्या है ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से जो है यहां पे क्या देखने को मिलेगा पार्शियल कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा ठीक है तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में याद रखना है कि पार्शियल कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है पार्शियल कंट्रीब्यूशन ठीक है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्शियल कंट्रीब्यूशन जो है हम लोगों को देखने को मिलता है इन केस ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ठीक है जैसे मान लो जल जीवन मिशन यहाँ पे देखो जैसे जो नॉर्मल स्टेट्स हैं वहाँ पे कितना यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है देखो जो नॉर्मल स्टेट्स हैं उसमें कंट्रीब्यूशन कितना है 50 50 का उसमें जो है फिफ्टी फिफ्टी फिर देखो जो जम्मू एंड कश्मीर यानी कि जो हिली एरिया हिली एरियाज में आ, नहीं जम्मू एंड कश्मीर नहीं जैसे मान लो हिमाचल प्रदेश हो गया फिर जो नॉर्थ ईस्ट जो यहाँ पे जो स्टेट्स हैं ठीक है तो उसके लिए कितना कंट्रीब्यूशन है उसके लिए कंट्रीब्यूशन है तुम्हारा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं ठीक है एंड जो हिमालयन रीजन वाले जो स्टेट्स हैं एंड जो हिमालयन रीजन वाले जो स्टेट्स हैं उसके लिए कितना है नाइन्टी टेन का नाइन्टी टेन का है फिर जो है तुम्हारा ये UT के लिए कितना है हंड्रेड परसेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है तो यूटी के लिए हम लोग बोल सकते हैं तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, है जो East, region, तो, तो जहाँ पे पार्शियल कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्लियर है तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में गवर्नमेंट का खर्चा कितना आता है एट परसेंट और जो लोन गवर्नमेंट मान लो ले रहा है उसके तौर पे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी तो पे करना है तो ये जो मान लो सौ रुपए जो गवर्नमेंट जो खर्चा करता है उसमें से बीस रुपए यानी कि वन फिफ्थ वन फिफ्थ जो है उसे इंटरेस्ट पेमेंट पे ही जो है गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है क्लियर है इतना क्लियर है कि पैसा कैसे आ रहा है गवर्नमेंट के पास एंड पैसा कैसे जो है गवर्नमेंट खर्चा कर रहे हैं अगर क्लियर है तो बताना कमेंट सेक्शन में क्लियर है कि नहीं ठीक है क्लियर है कोई डाउट है तो पूछो क्लियर है चल <coughs> चल आगे बढ़ते हैं चल अब देखो ये बजट कौन प्रिपेयर करता है ये जो हर साल जो बजट है ये बजट कौन प्रिपेयर करता है देखो देखो फिनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ठीक है फिनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और यही डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का जो बजट डिवीज़न है वो प्रिपेयर करता है यूनियन बजट ठीक है क्लियर है ठीक है सो फिनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है उसके अंडर में जो बजट डिवीजन है वो यहां पे जो है वो क्या करता है वो प्रेजेंट करता है बजट सो द बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज नोडल बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द बजट इसका एक उठा लेना है बच्चो। है बच्चों ठीक कि ये जो है बजट कौन प्रिपेयर करता है ठीक है ठीक तो बजट डिविजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स चल नेक्स्ट ये एक factual, ये एक फैक्चुअल ये स्लाइड है कि यहां पे नंबर ऑफ बजट सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किया है अगर मान लो कभी अगर एग्जाम में पूछ लिए तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है यहाँ पे डाल दिया है कि नंबर ऑफ बजट्स प्रेजेंटेड बाय फंस मिनिस्टर देखो सबसे ज़्यादा अगर कोई फिनेंस मिनिस्टर अगर बजट पेश किया है लगातार कंटिन्यूसली वो है मोरारजी देसाई ठीक है वो दस बार जो है यहाँ पे प्रेजेंट कर चुके हैं एंड जो अभी जो करंट जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन ये जो है उनका सिक्स टाइम था कि वो कंटिन्यूसली जो है पे बजट पेश कर रही हैं, सो इट इज इंक्लूडिंग फेबर फर्स्ट 2024 ठीक है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यहां पे जो है निर्मला सीतारमन ने ये जो है सिक्स टाइम बजट पेश किया ठीक है ऋतुजा क्लियर ओके ओके ठीक है अब आगे बढ़ते हैं इस साल का बजट के साथ ठीक है अभी हम लोगों ने समझा ठीक है कि बजट में जो है गवर्नमेंट कैसे फंड का कैसे इस्तेमाल करता है यहाँ पे जो है पैसा गवर्नमेंट के पास आ, कैसे आ रहा है गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है एंड गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कहाँ ये कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सेक्टर्स में जो है गवर्नमेंट यहाँ पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं अभी स्टार्ट करते हैं जो Uh, मतलब जहाँ से हमारे यहाँ पे फिनांस जो हमारे फिनांस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जहाँ से स्टार्ट किए हैं इस साल का बजट उसी से स्टार्ट करते हैं देखो हम लोगों का जो बजट है ना इसका मूल मंत्र क्या है देखो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद द मंत्र ऑफ सबका साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास यहाँ पे जो है एक एक जो है और जो है यहाँ पे टर्म ऐड हो गया है ठीक है यहाँ पे जो है ट्राइलॉजी हम लोग बोल सकते हैं पहले क्या था सबका साथ सबका विकास अभी क्या है एक और चीज ऐड हो गया है सबका विश्वास सबका विश्वास ठीक है सो द मंत्रा इज सबका साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास एंड उसके साथ साथ एंड उसके साथ साथ एक और यहाँ पे जो है आ, एड हो गया है वो क्या है सबका प्रयास एंड वहाँ पे फिनेस यहाँ पे ने ये कहा है कि ये सबका प्रयास के थ्रू ही हम लोग जो है यहाँ पे COVID को हम लोग जो है यहाँ पे इजीली जो है उस फेज को हम लोग क्लियर कर पाए हैं तो यहाँ पे जो मंत्रा है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड फॉर योर इंटरव्यू आल्सो की क्या है सबका साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास ठीक है इसका एक स्क्रीनशॉट उठा लेना है एंड उसके साथ-साथ जो है सब का प्रयास ठीक है द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर स्मिथ श्रीमती निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड द इंटरिम यूनियन बजट 2024-25 इन पार्लियामेंट ठीक है ऑन फर्स्ट फरवरी 2024 चल विजन ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इस साल का जो बजट है उसका मेन विजन क्या है ठीक है प्रॉस्परस भारत प्रॉस्परस भारत इन हारमोनी नेचर एक तो नेचर को ध्यान में रखा जा रहा है यानी कि जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं उसको जो है यहाँ पे ध्यान में रखा गया है ठीक है एनवायरमेंट को जो है यहाँ पे ध्यान में रखा गया है उसके साथ साथ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो ठीक है तो उसके ऊपर भी ध्यान रखा गया है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल यानी कि हर एक को जो है अपॉर्चुनिटी मिले तो यानी कि वही जो है सबका साथ सबका विकास यानी कि यहाँ पे जो है वो इंक्लूसिविटी इंक्लूसिविटी को जो है यहाँ पे गवर्नमेंट जो है यहाँ पे प्रमोट कर रहा है तो इस साल का विजन क्या है प्रोस्परस भारत इन हारमनी विथ किसके साथ हारमनी तीन चीजों के साथ एक जो है नेचर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल क्लियर है क्लियर है है चलो दामिनी गुड गुड सर वेरी ठीक सो प्रॉस्परस भारत इन हार्मोनी विथ नेचर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल देखो इस साल का जो मंत्रा है ठीक है इसका एक शॉट उठा लेना है सबका साथ सबका विकास ये पहले था ठीक है तो इसका मतलब क्या था वही कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट फॉर ऑल एंड उसके साथ जो है इस साल एक और जो है जुड़ गया है वो क्या है सबका विश्वास सबका विश्वास ठीक है सो ट्रिनिटी ऑफ डेमोग्राफी डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी बैक्ड बाई सबका प्रयास तो ये बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्योग्राफिकल लोकेशन हम लोग जो है ज्योग्राफिकल यानी कि मान लो जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है ना वहाँ पे क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी उतना सही नहीं है वहाँ पे तो वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी पहुंचे फिर सिर्फ जो है हम लोग जियोग्राफिकली हम लोग जो है लोगों को इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग जो है डिफरेंट जो स्टेचर जो है हम लोग सोसाइटी में ठीक है तो उन लोगों को भी हम लोग जो है यहाँ पे इंक्लूड करेंगे हालांकि यहाँ पे जो है आ, हमारे जो फिनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो कहना था कि चार कास्ट है ठीक है जो फोर कास्ट है उसको भी यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रेजेंट किया है एंड उसी के ऊपर जो जो डेवलपमेंट्स हैं उसी के ऊपर जो है बातचीत किया गया है ठीक है इन द पार्ट ऑफ और यूनियन बजट तो ठीक है तो अगर देखो सबसे पहले क्या था सबका साथ सबका विकास उसके साथ ऐड हुआ सबका विश्वास अलोंग विद सबका प्रयास तो तभी हम लोग जो है डेवलप्ड इंडिया यानी कि विकसित भारत यानी कि विकसित भारत ठीक है हम लोग का जो यहां पे एम है विकसित भारत एट द रेट 2047 उसको जो है तभी हम लोग अचीव कर पाएंगे तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि हम लोग जो है हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोगों को लेकर चलेंगे हर एक जो है डेमोग्राफिक रीजन के जो है लोगों को लेकर चलेंगे तभी जाके जो है हम लोग एक ओवरऑल एक डेवलप्ड नेशन बन सकते हैं बाय 2047 ये जो एम जो ईयर है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ध्यान में रखना विकसित भारत का जो ईयर है जो एम ईयर है वो क्या है 2047 ठीक है यानी कि डेवलप्ड इंडिया का जो एम ईयर है वो क्या है 2047 थाउजेंड चलो आगे बढ़ते हैं अब देखो ध्यान में क्या रखा गया है पीपल सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट गवर्नमेंट का यहाँ पे जो है ध्यान क्या है कि जो है हम लोग इंक्लूसिव डेवलपमेंट तो यहाँ पे करेंगे ही हर एक क्षेत्र में जो है हम लोग डेवलपमेंट तो करेंगे ही बट हम लोगों का मेन जो है फोकस क्या रहेगा पीपल सेंट्रिक लोगों के लिए ठीक है तो सबसे पहले क्या है सबस्टैंडिव डेवलपमेंट यानी कि जो जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है है ठीक ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो जैसे कि मान लो हो हो गया हो गया ब्रिजेस ठीक है तो इसमें भी हम लोग जो है यहाँ पे इंप्रूवमेंट्स करेंगे उसके साथ साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मान लो यूपीआई हो गया अभी जो है सीबीडीसी देखने को मिल रहा है डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट तो डिजिटली जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पे ग्रो हो रहा है उसके ऊपर भी हम लोग ध्यान रखेंगे उसके साथ साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मान लो स्कूल्स हॉस्पिटल एजुकेशन इंस्टीट्यूट इसके पर भी जो हम लोग ध्यान रखेंगे तो सबसे पहला क्या है सबस्टैंडिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज फिजिकल डिजिटल एंड सोशल क्लियर है इसका एक स्क्रीनशॉट उठा लेना है ठीक है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा क्या है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जैसे देखो यहाँ पे गवर्नमेंट का मेन एम क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन फाइनेंशियल इंक्लूजन ताकि हर एक के पास जो है बैंक अकाउंट रहे एंड बैंक अकाउंट अगर रहेगा तो अल्टीमेटली जो है हम लोग जो है वो डिजिटल इंडिया की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं ऊपर से क्या है बैंक अकाउंट के थ्रू जो है गवर्नमेंट यहाँ पे जो है डीबीटीज भी भेज सकते हैं एंड डीबीटीज भेजेगा तो गवर्नमेंट का वहां से बहुत सारा बचत भी होगा ठीक है फिर उसके साथ साथ जैसे मान लो डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट जैसे मान लो यहाँ पे यूपीआई हो गया सीबीडीसी हो गया फिर तुम्हारा जो गवर्नमेंट का यहाँ पे जो प्रमोशन है ऑफ रूपे कार्ड तो ये सब जो है इसी के अंडर में आ जाए

जीएसटी क्या है इनडायरेक्ट टैक्स है ठीक है जीएसटी क्या है इनडायरेक्ट टैक्स है तो गवर्नमेंट का यही जो है एम है कि कैसे हम लोग जो है ये जीएसटी के थ्रू जो है लोगों के पास जो है ये जीएसटी का जो सुविधा है ये लोगों के पास और हम लोग जो है फैला पाए देन स्ट्रेंथेंड फाइनेंशियल सेक्टर ब्रॉड सेविंग्स क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट बैक ऑन ट्रैक तो बोला जा रहा है कि हम लोगों का अब यहां पे जो है गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम लोगों का जो फाइनेंशियल सेक्टर जो इतना जो स्ट्रेंथन हुआ है इससे क्या है लोग जो है सेविंग्स की ओर ध्यान दे रहे हैं ठीक है तो सेविंग्स बढ़ा है एंड जो क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा है अब देखो इससे फायदा क्या होगा मान लेते हैं मान लेते हैं मान लेते हैं लोग मान लो यहाँ पे मान लो दस हजार करोड़ मान लेते हैं सेविंग्स किया है ठीक है मान लो दस हजार करोड़ मान लो लोगों ने यहाँ पे सेविंग्स किया है इनमें से मान लो बैंक ने क्या किया बैंक ने पांच हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया ठीक है मान लो किसी कंपनी में पांच हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया यही पांच हजार करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट हुआ जो कैपिटल मान लो कंपनीज को प्रोवाइड किया उससे मान लो यहाँ पे जो सेक्टर में जो यहाँ पे जो आ, जो मान लो यहां पे जो सेक्टर जो बूम हुआ ठीक है ये कैपिटल से क्या बिजनेस किया एंड बिजनेस से मान लो यहाँ पे जो सेक्टर में इन्वेस्ट किया वो सेक्टर का वेलुएशन मान लो हो गया स हजार करोड़ तो अल्टीमेटली क्या गवर्नमेंट यही चाहता है कि हम लोगों का फाइनेंशियल सेक्टर जो है ग्रो करे ठीक है एंड फाइनेंशियल सेक्टर अगर ग्रो करेगा अल्टीमेटली क्या सेविंग्स बढ़ेगा सेविंग्स बढ़ेगा तो लोग जो है बैंक के ऊपर जो है भरोसा करके पैसा रखेंगे एंड बैंक में पैसा रखेंगे तो बैंक जो है वहां पर क्या करेगा सामने आगे जाके जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा इन्वेस्टमेंट करेगा तो मान लो किसी ऑन्टरप्रोनरशिप सेक्टर ठीक है मान लो किसी बिजनेस सेक्टर में इन्वेस्ट किया एंड वहां पर जो है क्या हमें देखने को मिलेगा एंड वहां पे जो है हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा अल्टीमेटली उस सेक्टर में ग्रोथ होगा उस सेक्टर में ग्रोथ होगा तो अल्टीमेटली कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो अल्टीमेटली जो है हम लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगा तो गवर्नमेंट का यही जो है एम है ठीक है कि फाइनेंशियल सेक्टर तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम लोगों का जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो स्ट्रेंथन है अभी एंड उससे जो है सेविंग्स को जो है और एनकरेजमेंट मिल रहा है क्रेडिट यानी कि लोग जो है लोन भी ले रहे हैं एंड इन्वेस्टमेंट भी जो है वो क्या है अभी बैक ऑन ट्रैक है उसके साथ-साथ जो गिफ्ट सिटी है इसके ऊपर जो है अभी बहुत जो है अभी न्यूज़ चल रहा है गिफ्ट सिटी ठीक है जो फाइनेंशियल जो गुजरात में जो है ठीक है गुजरात गुजरात में है जो फाइनेंस टेक सिटी है तो अभी गवर्नमेंट का यही जो है एम है कि उसको जो है हम लोग एक फाइनेंस टेक सिटी के तौर पे हम लोग जो है बनाएं ठीक है जैसे हम लोगों को पता है कि देखो बाहर विदेश में क्या है जैसे सिंगापुर हो गया दुबई हो गया ये सब क्या टैक्स सिटी फिनेंस टैक्स सिटी वहाँ पे जो है आ, बाहर बाहर से जो कंपनीज हैं वो आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अल्टीमेटली वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है तो गवर्नमेंट का यही एम है कि ये गिफ्ट आई जो है इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट यहाँ पर जो है आ, इन्वेस्टमेंट करे ताकि हम लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिले सो इट इज अ रोबस्ट गेट वे फॉर ग्लोबल कैपिटल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर द इकोनॉमी की हम लोग को बाहर से भी जो है हम लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा ठीक है मैनेजमेंट तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम लोगों ने जो है यहां पे क्या है इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने क्या किया मैनेज किया ठीक है जो महंगाई है उसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने मैनेज किया देन ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री बिकमिंग एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि हम लोगों का कंट्री का हर एक पार्ट जो है वो क्या बन रहा है एक्टिव पार्टिसिपेंट बन रहे हैं किसमें इकोनॉमिक ग्रोथ में तो हर एक सेक्टर ऑफ और कंट्री जो है वो क्या है पार्टिसिपेट कर रहा है कैसे हम लोगों का कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ हो ठीक है तो ये पॉइंट जो है ये आ जाता है अंडर पीपल सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्लियर है साउंड नहीं आ रहा है hmm? केदार साउंड नहीं आ रहा है साउंड तो आ रहा है बच्चे आ रहा है, हाँ रुचि ठीक है चलो चलो आगे बढ़ते हैं देखो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कंपेयर किया है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ ठीक है जो इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है एंड वर्ल्ड का जीडीपी ग्रोथ है इसको भी कंपेयर किया है इसका एक स्क्रीनशॉट शॉट उठा लेना है ठीक है क्योंकि इसके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछ सकता है आप देखो यहां पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि पहले देखो क्या था पहले देखो हम लोगों का आ, क्या है जो जीडीपी था वो जो है ऊपर तो था वर्ल्ड जीडीपी के हिसाब से फिर जो है नीचे वो चला गया था ये तुम्हारा कोविड नाइनटीन जब हुआ ठीक है उस आ, उस दौरान जो है हम लोगों का जीडीपी ग्रोथ जो है उसमें इफ़ेक्ट हुआ था बट बाद में जो है हम लोगों ने रिकवर बैक किया बट बाद में जो है हम लोगों ने रिकवर बैक किया एंड अभी जाके जो है हम लोगों का जो जीडीपी ग्रोथ है देखो ये येलो कलर जो है ये ये इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है ये जो है एंड जो वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ है हम लोगों का जो जो जीडीपी ग्रोथ है वो जो है वो वर्ल्ड के मुकाबले जो है 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 हम लोगों का ज्यादा ठीक जहां पे मान लो जो कंट्रीज है यहाँ पे वर्ल्ड में उन लोगों का यहाँ पे जो जीडीपी है वो क्या है तीन परसेंट साढ़े तीन परसेंट है असल में हो क्या रहा है वही जो ये रशिया यूक्रेन वॉर हुआ रशिया यूक्रेन वॉर फिर तुम्हारा अभी इसल पैलेस्टीन वॉर इजराइल पैलेस्टीन वॉर अभी जो रेड सी इशू जो चल रहा है इसके वजह से जो है अभी वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ जो है अभी अफेक्टेड है एंड उस दौरान जो है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो है यहाँ पे बढ़ रहा है बट हालांकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया कि हम लोगों का जो कंट्री में हम लोगों का कंट्री में जो डिमांड है ना हम लोगों का कंट्री में जो डिमांड है यानी कि मान लो जो कंजम्पन है हम लोग कंट्री में जो कंजम्पन है वो क्या है हालांकि कम है हम लोग कंट्री में जो कंजम्पन है वो हालांकि कम है हम लोगों कंट्री में जीडीपी क्यों बढ़ रहा है ड्यू टू कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यू टू कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हम लोगों का कंट्री में क्या है जीडीपी बढ़ रहा है हालांकि इसे जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये थ्रू द ग्राफ यही समझाने का कोशिश किया है कि हाँ हम लोगों का कंट्री का जो जीडीपी ग्रोथ है वो जो है वर्ल्ड इकोनॉमी का जो जी ग्रोथ है उससे जो है काफी आगे है चलो अब देख लेते हैं हम लोग का जो यूनियन बजट 2024-25 इसको जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है पार्ट ए एंड पार्ट बी में तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट ए से ठीक है स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट ए से पार्ट ए में सबसे पहले आ जाते हैं सोशल जस्टिस सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं सोशल जस्टिस में यहां पे यहां पे किसके ऊपर बातचीत किया गया है ऑन द फोरकास्ट देखो प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी कहा था कि मेरे पास जो है चार जो जाति है वो जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एंड इसी जो चार जाति है अगर इसी चार जाति में मैं अगर इन्वेस्टमेंट करता हूं ठीक है इसका अगर अपलिफ्ट मतलब ये जो कास्ट है इसका अगर मैं अगर अपलिफ्टमेंट करता हूं देन अल्टीमेटली हम लोग जो है जाके यहाँ पे विकसित भारत का हम लोग का जो एम है उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं ठीक है सो प्राइम मिनिस्टर टू फोकस ऑन अपलिफ्टमेंट ऑन फोर मेजर कास्ट एंड ये चार जो मेजर कास्ट है ये कौन कौन से है सबसे पहला जो है गरीब यानी कि पुअर देन महिलाएं यानी कि वोमेन देन युवा यानी कि यूथ एंड अन्नदाता यानी कि फार्मर ठीक है है तो ये जो है ये जो चार मेजर कास्ट के ऊपर जो है फोकस किया गया बच्चों इसका स्क्रीनशॉट उठा लेना इसके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस साल का बजट में जो चार मेजर कास्ट जिसके ऊपर फोकस किया गया है वो कौन है सबसे पहला जो है गरीब यानी कि पुअर देन क्या है महिलाएं यानी कि वोमन देन यूथ एंड लास्टली जो है फार्मर्स यानी कि

देखो यहाँ पे गरीब कल्याण देश का कल्याण की लोगों के लिए ठीक है जो अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया तो यहाँ पे जो है कुछ डेटा गवर्नमेंट ने हमारे सामने लाए हैं यहाँ पे तो ये इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम है नोट डाउन तो जरूर कर लेना है या फिर इसका स्क्रीन उठा लो कि द गवर्नमेंट असिस्टेड गवर्नमेंट ने असिस्ट किया कितने लोगों को ट्वेंटी करोड़ पीपल ठीक है पच्चीस करोड़ लोगों को जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ने असिस्ट किया है आउट ऑफ मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इन लास्ट टेन ईयर्स ने कितने यहां पे जो है गरीब लोगों को जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है इन द लास्ट टेन ईयर्स तो आंसर होगा ट्वेंटी फाइव करोड़ पीपल देन जो जनधन योजना के जो अकाउंट्स हैं ठीक है जो जनधन योजना के जो अकाउंट्स है जिसका मेन एम क्या है जनधन योजना का डायरेक्टली तो जो, जो, जो है वैल्यू पूछ सकता है ठीक है ऊपर से इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जनधन योजना अकाउंट में कितना देखने को मिला है थर्टी फोर लाख करोड़ का ठीक है एंड उससे गवर्नमेंट को बचत कितना हुआ है उसमें से गवर्नमेंट को बचत हुआ है 2.7 लाख करोड़ का अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर पैसा तो उसके अकाउंट में गया तो गवर्नमेंट को बचत कैसे हुआ अब देखो पहले क्या होता था कि वो जो मान लो अगर मान लो कोई बीच में मान लो कोई अगर मिडिल पीपल अगर आ जाए तो उसके थ्रू जो है वो पैसा जो है डायरेक्टली जो है वो लोगों के पास नहीं पहुंचता था या फिर वो बीच में क्या है वो जो पैसा है वो मिडिल पर्सन को भी देना पड़ता था तो इससे जो है गवर्नमेंट को जो है यहाँ पे क्या है सेविंग्स हुआ है कितना 2.7 लाख करोड़ का तो एक तरफ जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पे अचीव किया है कितना 34 लाख करोड़ का डीबीटी प्रोवाइड किया है कहाँ पे जनधन योजना अकाउंट्स में एंड उसके वजह से गवर्नमेंट को सेविंग्स कितना हुआ है टू लाख करोड़ का ये जो है वेरी मच इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रीन जरूर उठा लेना इसका उसके साथ साथ जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं ठीक है स्वनिधि यानी कि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम स्कीम ये 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 जो जो है है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लाया गया था ठीक है जैसे मान लो जो मान लो मोमो बेचते हैं जो मान लो चाय बेचते हैं जो मेनली जो ठेले में जो सामान बेचते हैं ठीक है जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं तो उसके लिए देखो पी एम स्वनिधि प्रोवाइडेड क्रेडिट असिस्टेंस टू सेवेंटी एट लैख स्ट्रीट वेंडर्स ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि स्वनिधि स्कीम में अंडर वन स्कीम ठीक है कितने लोगों को यहाँ पे जो है यहाँ पे क्रेडिट असिस्टेंस मिला है 278 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को जो है यहाँ पे क्या है क्रेडिट असिस्टेंस मिला है उसके साथ-साथ उनमें से 2.3 लाख ,00 ,00 को मिला है क्या है फॉर द थर्ड टाइम ठीक है उनमें से 2.3 लाख को मिला है फॉर द थर्ड टाइम अच्छा बच्चों मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि अंडर्स वन स्कीम ठीक है कितने अमाउंट तक का जो है यहां पे लोन मिल सकता है गवर्नमेंट के तरफ से मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने तक का जो है यहां पे लोन मिल सकता है गवर्नमेंट के तरफ से चलो देन जो जनमन योजना है किसके लिए जो जनमन योजना है तुम्हारा पर्टिकुलरली वर्लरबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए उसके लिए भी जो है डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे जो है बातचीत किया जा रहा है कि पीएम जनमन योजना टू एड द डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स उसके साथ साथ जो विश्वकर्मा स्कीम आया था 2023 में ठीक है सितंबर में जो आया था विश्वकर्मा स्कीम किसके लिए ये जो है जो आर्टिजन हैं जो जो यहाँ पे क्राफ्ट्समैन जो पीपल हैं उन लोगों के लिए आया था यह विश्वकर्मा योजना अच्छा मेरे को यह बताओ कि विश्वकर्मा जो योजना है ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ठीक है so सो पी विश्वकर्मा योजना प्रोवाइड्स एंड टू एंड सपोर्ट टू आर्टिशंस क्राफ्ट पीपल एंगेज इन एटीन ट्रेड्स तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है उसका आंसर मेरे को चाहिए कि पीएम विश्वकर्मा योजना कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आता है एंड स्वनिधि स्कीम के अंडर में मैक्सिमम कितने तक का जो है यहां पे लोन मिल सकता है टेन के हा विभा टेन के फेज वन ट्वेंटी के फेज टू फिफ्टी के फेज थ्री वेरी गुड विभा हाँ तीन फेज़ेस में जो है यहाँ पे पैसा मिल सकता है तो यहाँ पे वही बोला गया था कि ऐसे जो है 2.3 लाख लोग हैं जिसको जो है थर्ड टाइम यहाँ पे जो है क्रेडिट मिला है यानी कि ऐसे 2.3 लाख लोग हैं जिसको 50,000 का जो है यहाँ पे लोन मिला है ठीक है क्लियर है चलो <coughs> देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक डेटा प्रोवाइड किया है कि डिक्लाइन इन द हेड काउंट रेशियो हेड काउंट रेशियो यानी कि यहाँ पे जो है जो मल्टी जो पॉवर्टी है ना जो गरीब लोग हैं उसके जो है नंबर्स कम हुए हैं ये जो है गवर्नमेंट का डेटा है एंड ये जो है गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन है ठीक है ये जो है डायरेक्ट एक्यूरेट डेटा नहीं है ये जो है प्रोजेक्शन है, है इसका स्क्रीन शॉट उठा लेना है कि कितना है देखो कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो मल्टी ये जो है मल्टी डायमेंशनली पुअर है तो उसका जो नंबर है वो देखो घटता हुआ दिख रहा है तो ये जो है यहाँ पे मैं टू थाउजेंड फाइव सिक्स में देखो कितना था फिफ्टी

नेक्स्ट एम्पोरिंग यूथ यूथ के लिए भी जो है यहाँ पे सरकार के तरफ से कुछ जो है यहाँ पे सुविधाएं देखने को मिला है ऊपर से कुछ जो है डेटा यहाँ पे सरकार ने मेनली प्रेजेंट किया है देखो इस साल का जो बजट है ना वो सरकार यहाँ सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी बजट हम लोग बोल सकते हैं कि सरकार जो है यहाँ पे क्या है खुद का जो है यहाँ पे पीठ थपथपाया है खुद आ, मतलब यहाँ पे जो है सरकार खुद का जो है वाहवाही किया है कि सरकार ने क्या क्या अचीव किया है ठीक है यही जो है सरकार का मेन मोटिव था या अभी जो है इस बजट में तो एम्पोरिंग यूथ इसमें क्या है 1.4 करोड़ यूथ ट्रेंड अंडर स्किल इंडिया मिशन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम कि कितने जो है यूथ को यहाँ पे ट्रेन किया गया है अंडर स्किल इंडिया मिशन 1.4 करोड़ यूथ को जो है यहाँ पे ट्रेन किया गया अंडर स्किल इंडिया मिशन उसके साथ साथ गवर्नमेंट हमेशा ये ट्राई कर रहा है कि यूथ में जो है ऑन्ट्रप्रनोरियल जो है यहाँ पे मैंटेलिटी ग्रो हो ठीक है क्योंकि देखो गवर्नमेंट ये हमेशा चाहता है कि ऑन्ट्रप्रनोर यहाँ पे बढ़े

यूथ के लिए जो है ये ऑंट्रप्रोनरशिप के लिए गवर्नमेंट के तरफ से 43 करोड़ लोन्स देखने को मिला है ये जो है सैंक्शन किया है अंडर पीएम मुद्रा योजना अंडर पीएम मुद्रा योजना मेरे को बच्चों ये बताओ कि मुद्रा योजना में मैक्सिमम कितने अमाउंट तक का जो है लोन जो है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ले सकता है अंडर पी मुद्रा योजना रागिनी टेन दीपक टेन रोहन फिफ्टी

दस लाख वेरी गुड रुचिर वेरी गुड हाँ दस लाख तक का जो है यहां पे दस लाख का ये जो है दस लाख मैक्सिमम जो है यहाँ पे लोन ले सकता है अच्छा एक और मैंने क्लास में भी पढ़ाया था स्टैंड इंडिया स्कीम में जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है इसमें हाईएस्ट इसमें हाईएस्ट कितना तक का जो है लोन मिल सकता है जो रेंज है लोन का वो कितने तक का है ये मेरे को बताओ स्टैंड अप इंडिया स्कीम में चलो आगे बढ़ते हैं इंक्रीज इन पीएम श्री बजट एलोकेशन देखो पीएम श्री जो है ये किससे रिलेट करता है स्कूल से रिलेट करता है ठीक है याद रखना ठीक है श्री का फुल फॉर्म क्या है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि इंक्रीज इन पीएम श्री बजट एलोकेशन देखो 2023-24 में जो बजट एस्टिमेट था वो कितने का था 4000 करोड़ का एंड पीएम श्री के अंडर में 2024-25 में जो बजट है है वो कितने का है? करोड़ का करोड़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछ सकता है ठीक है कि पीएम श्री में बजट एलोकेशन कितना है जो यहां पे बजट एस्टिमेट है वो कितना है तो छे हजार पचास करोड़ का जो है यहां पे बजट एस्टिमेशन है अंडर पीएम श्री उसके साथ साथ जो आई है देखो दो हजार चौदह में सोलह और दो हजार तेईस में ये बढ़ के हो गए हैं तेईस एम्स में 2014 में एम्स थे सात 2022 में कितने एम्स हैं 22 इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज हैं जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं 2014 में थे 723 2023 में ये बढ़ के हो गए हैं एक यानी कि यहाँ पे जो है 10 साल में गवर्नमेंट ने क्या किया लास्ट दस साल में गवर्नमेंट ने क्या किया वही मतलब उसी को जो है यहां पे प्रेजेंट किया गया है तो जो मैं बोल रहा था कि ये जो है एक सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी बजट हम लोग बोल सकते हैं गुड रागिनी वेरी गुड वन करोड़ वन करोड़ स्टैंड है दस लाख से एक करोड़ ठीक है दस लाख से एक करोड़ इसे याद रखना है स्टैंड अप के अंडर में दस लाख ,00 से एक करोड़ चलो चलो आगे बढ़ते हैं चलो आगे बढ़ते हैं वेलफेयर ऑफ अन्नदाता अन्नदाता यानी कि इसको कहा गया है फार्मर्स को अन्नदाता यानी कि फार्मर्स को ठीक है तो फार्मर्स के लिए पीएम किसान सम्मान योजना फार्मर्स के लिए पीएम किसान सम्मान योजना के अंडर में यह बोला गया है कि प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 11.8 करोड़ फार्मर्स कि कितने फार्मर्स को जो है यहां पे जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है 11.8 करोड़ फार्मर्स को यहां पे जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है अंडर किसान सम्मान योजना जो है छह हजार रुपए दिया जाता है हर साल इन तीन इंस्टॉलमेंट्स ठीक है इन तीन इंस्टॉलमेंट्स याद रखना है अंडर पीएम फसल बीमा योजना स इज गिवन टू फोर करोड़ फार्मर्स ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पीएम किसान सम्मान योजना में कितने किसान को यहाँ पे बेनिफिट मिला है इलेवन पॉइंट एट करोड़ पी एम फसल बीमा योजना में ठीक है कितने लोग मतलब यहाँ पे कितने फार्मर्स को दिए गए हैं फोर करोड़ फार्मर्स को जो है यहाँ पे दिए गए हैं उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है ठीक है उसे जो है इंटीग्रेट किया गया है कितने मंडीज के साथ वन थ्री सिक्स वन मंडीज के साथ जो है इसको यहां पे जो है इंटीग्रेट किया गया है प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू वन पॉइंट एट करोड़ फार्मर्स जिससे क्या है सुविधाएं मिला है कितने फार्मर्स को वन पॉइंट एट करोड़ फार्मर्स को जो है यहां पे सुविधाएं मिला है विथ ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ रुपीज थ्री लाख करोड़ तो हर एक पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट बन जाता है सबसे पहला तो पीएम किसान सम्मान योजना इसके अंडर में कितने फार्मर्स यहां पे जो है बेनिफिट हुए हैं करोड़ फार्मर्स पीएम फसल बीमा योजना जो कि क्रॉप इंश्योरेंस है उसके अंडर में जो है फोर करोड़ फार्मर्स आ, को जो है यहाँ पे फसल बीमा योजना के अंडर में जो है यहाँ पे सुविधाएं प्रोवाइड किए गए हैं उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को जो है इंटीग्रेट किया गया है विथ वन थ्री वन मंडीज With वन थ्री सिक्स वन मंडीज ठीक है एंड उससे जो है वन पॉइंट एट करोड़ फार्मर्स को जो है यहाँ पे सुविधाएं मिला है विथ ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ थ्री लाख करोड़ ठीक है हाँ छ हजार ठीक है हाँ रागेनी टेन लाख टू वन करोड़ दीपक वेरी गुड वेरी गुड चलो आगे बढ़ते हैं देखो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक और जो है यहाँ पे चार्ट पे प्रोवाइड किया गया है कि हम लोगों का जो व्हीट एंड राइस प्रोक्योरमेंट जो है वो जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है देखो यहाँ पे 2022-23 के हिसाब से अगर कर कंपेयर करें तो इसमें जो है 28 लाख मेट्रिक टन जो है राइस प्रोक्योरमेंट था ये जो है दो हजार में अड़तीस लाख मेट्रिक टन जो है राइस प्रोक्योरमेंट है व्हीट के बारे में बात करें तो 2022-23 में यह था आ, 188 लाख एट मेट्रिक टन एंड 2023-24 में जो है यह है आ, 262 लाख एंड मेट्रिक टन यहाँ पे जो है हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है प्रोक्योरमेंट ठीक है इन बोथ राइस एंड व्हीट देन बात करें अगर नारी शक्ति यानी कि वोमेन के बारे में ठीक है तो इसमें देखो थर्टी करोड़ मुद्रा योजना लोन्स 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन्स गिवन टू वोमेन ऑन्ट्रप्रोनोर्स वेरी मच इंपॉर्टेंट ठीक है कि तीस करोड़ जो है मुद्रा योजना के अंडर में लोन्स प्रोवाइड किए गए हैं किसको वोमेन ऑन्टरप्रनोर्स को देन फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन गॉन बाय 28 परसेंट कि हायर एजुकेशन में जो फीमेल एनरोलमेंट है वो क्या है 28 परसेंट से जो है ये बढ़ चुका है पहले से जो है 28 परसेंट बढ़ा है ठीक है इन स्टेम कोर्सेस इन स्टेम कोर्सेस स्टेम का फुल फॉर्म क्या है एस फॉर साइंस एस फॉर साइंस टी फॉर टेक्नोलॉजी ई फॉर इंजीनियरिंग एंड एम फॉर मैथमेटिक्स ठीक है एंड एम फॉर मैथमेटिक्स सो इन स्टेम कोर्सेज गर्ल्स एंड वोमेन कंस्टीट्यूट फोर्टी थ्री परसेंट एनरोलमेंट वन ऑफ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो स्टेम कोर्सेज है यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इन कोर्सेज में जो गर्ल्स एंड वुमेन है इंडिया के इट कॉन्स्टिट्यूटी थ्री द एनरोलमेंट यानी कि अगर मान लो सौ बच्चे अगर अगर मान लो पे एनरोल कर रहे हैं उसमें से फोर्टी थ्री जो है वो क्या है गर्ल्स या फिर वुमेन है एंड इट इज वन ऑफ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड देन अंडर पी एम आवास योजना सेवेंटी परसेंट हाउसेस इन द रूरल एरियाज वो जो है महिलाओं के नाम पे दिया गया है एंड जो है एक करोड़ वोमेन को जो है असिस्ट किया गया है बाय 83 थ्री लैख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू बिकम लखपति दीदी लखपति दीदी का मतलब क्या है कि उन लोगों को इतना ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए ताकि वो लोग जो है सालाना एक लाख रुपए जो है वो लोग कमा पाए अच्छा बच्चों मेरे को ये बताना लखपति दीदी स्कीम हम लोगों को कौन सा स्टेट से जो है ये देखने को मिला लखपति दीदी स्कीम ठीक है कौन सा स्टेट से हमें देखने को मिला तो एक करोड़ वोमेन असिस्टेड बाई 83 थ्री सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक करोड़ वोमेन जो है उसे असिस्ट किया गया बाई 83 थ्री सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू तो बिकम लखपति दीदीज चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखो जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में भी यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक डेटा देखने को मिला है जहां पे देखो 2017-18 में 23.3 जो है ये वोमेन थे अब जाके 2022 23 में देखो थर्ट बढ़ के ये 37% परसेंट हो चुका है बढ़ के ये 37% परसेंट हो चुका है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा <coughs> राजस्थान लखपति दीदी स्कीम हां और एक है लखपति बायडो एक है लखपति बायडो वो कौन सा स्टेट से है लखपति बायडो बाइडो का मतलब भी वही है ठीक है आ वही दीदी तो लखपति बाइडो कौन सा स्टेट से हमें देखने को मिला है ये भी मेरे को बताना चलो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेक्स्ट जो आ जाते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे पहले आ जाता है कमिटमेंट टू मीट नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070 ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है कि इंडिया का ये टारगेट है इंडिया क्या डेवलपिंग नेशन है तो उसका टारगेट है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव करेगा बाई ट्वेंटी उसके साथ सबसे पहले जो है यहाँ पे किसके ऊपर जो है ध्यान दिया जाएगा ऑन विंड एनर्जी कि कैसे हम लोग जो है यहाँ पे पवन चक्की के थ्रू कैसे हम लोग जो है एनर्जी यहाँ पे जो है प्रोड्यूस कर पाए तो उसमें जो फंडिंग जो जरूरत है ठीक है ये विंड एनर्जी को और कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं तो उसके लिए जो है उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट का कमिटमेंट है गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर काम करेगा उसके बाद यहाँ पे जो है गवर्नमेंट किसके ऊपर काम करेगा ऑन सेटिंग अप ऑफ कोल गैसिफिकेशन एंड कोल लिक्विफेक्शन कैपेसिटी अब देखो कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफेक्शन का मतलब क्या है सबसे पहले आ जाते हैं गैसिफिकेशन में लिक्विफेक्शन का मतलब क्या है कि मान लो जो सॉलिड कोल है मान लो जो सॉलिड कोल है उससे क्या है डायरेक्टली लिक्विड में हम लोग जो है उसको ट्रांसफर कर देंगे तो इससे सुविधा क्या होगा इससे जो है फ्यूल में ये काम आएगा अल्टीमेटली हम लोग जो है पेट्रोल डीजल के जगह में इसे जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ऊपर से गैसिफिकेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है मान लो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको जो है यहाँ पे क्या किया जाएगा <coughs> सीन गैस में इसको जो है आ, इसको ट्रांसफर किया जाएगा इन सीन सीन गैस गैस एंड को हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है 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 फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता ऊपर से क्या केमिकल्स बनाने में भी काम आ सकता है यहाँ पे थ्रू कोल गैसिफिकेशन ठीक है तो एक तो फ्यूल के लिए भी काम आएगा ऊपर से क्या है यहाँ पे डिफरेंट केमिकल बनाने के लिए भी काम आएगा तो सेटिंग इसके ऊपर भी गवर्नमेंट जो है ध्यान देगा उसके साथ साथ फेज मैंडेटरी ब्लेंडिंग ऑफ सीएनजी PNG and blending, 20 को जो है हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मैंडेटरी कर देंगे वहां पर जो है इसके ऊपर भी बातचीत किया गया था देन फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ बायोमासन मशीनरी हम लोग जो है कैसे जो है बायोमास को जो है कैसे हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करें तो उसके ऊपर भी जो है, जो है है गवर्नमेंट पे ध्यान देंगे। Then, rooftop इसके ऊपर हम लोगों ने करंट अफेयर्स में यहाँ पे कवरअप भी किया था कि यहाँ पे पीएम मोदी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया था कि एक करोड़ हाउस होल्ड जो है इसको जो है यहाँ पे रूफ टॉप सोलराइजेशन प्रोवाइड किया जाएगा एक करोड़ घर में जो है रूफटॉप सोलराइजेशन प्रोवाइड किया जाएगा एंड उससे क्या है 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा उन घरों में एंड इससे क्या है हर एक घर में जो है यहाँ पे 15 से 18000 तक का जो है यहाँ पे जो है सेविंग्स होगा तो यहाँ पे जो है पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से ये देखने को मिला था कि 1 करोड़ हाउस होल्ड में जो है रूफटॉप सोलरइजेशन के ऊपर भी जो है यहां पे काम किया जाएगा कि एक करोड़ हाउस होल्ड में हम लोग जो है सोलर पैनल्स बिठा देंगे ऊपर एंड उससे क्या है 300 यूनिट तक का फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ हमें देखने को मिलेगा असम वेरी गुड रागिनी एमपी हाँ एमपी में असम वेरी गुड चलो देन अडोप्शन ऑफ ई बसेस अडोप्शन ऑफ ई बसेस फॉर पब्लिक

ये ये बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री के ऊपर जो है नए स्कीम्स भी लाए जाएंगे ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे जो है अनाउंसमेंट किया गया है अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट देन बात करें अगर ग्रीन एनर्जी के बारे में तो ध्यान में रखना कि कोल गैसिफिकेशन लिक्विफैक्शन जो अभी हम लोगों ने देखा ठीक है वो कितना तक का जो है यहां पे देखने को मिलेगा हंड्रेड मेट्रिक टन तक का देखने को मिलेगा टू बी सेटअप बाई ट्वेंटी थर्टी येक्शन बाई कैपेसिटी ठीक है बाई कैपेसिटी कितना है 100 मेट्रिक टन टू बी सेट अप बाय 2030 इसका एक स्क्रीनशॉट उठा लेना है इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम इन द कैटेगरी ऑफ ग्रीन एनर्जी नेक्स्ट एंड मुफ्त बिजली उसके में देखो हम लोगों ने तो देखा कि एक करोड़ घर को जो है 300 यूनिट जो है यहाँ पे फ्री बिजली देखने को मिलेगा उसके साथ साथ हर एक हाउस होल्ड से जो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जो है सेव करेगा 15,000 टू 80,000 थाउजेंड एनुअली हर साल जो है पंद्रह से अठारह हजार रुपए जो है हर एक घर जो है वो यहाँ पे सेव करेगा इसका एक स्क्रीन उठा लेना है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से Then, देखो यहां पे गवर्नमेंट की तरफ से चार्ट देखने को मिला है इसका जरूर उठाना है।, in in है उसमें देखो क्या इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है तो देखो सबसे पहले दो में कितना था थर्टी देन चौदह में थर्टी टू पॉइंट थ्री एंड नवंबर ट्वेंटी थ्री का डेटा है ये है फोर्टी थ्री पॉइंट नाइन 43.9% परसेंट जो है यहां पे क्या हम लोगों को नॉन फॉसिल फ्यूल जो है सोर्सेज से हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिला है उसके साथ-साथ गवर्नमेंट की तरफ से यह भी कहा गया है कि मोर देन 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन रिलीज्ड अंडर पीएम उज्ज्वला योजना ठीक है वेरी मच इंपॉर्टेंट कि मोर देन 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जो है इसे रिलीज किया गया है अंडर पीएम उज्ज्वला योजना उसके साथ साथ 36.9 करोड़ एलईडी बल्ब्स 72.2 लाख एलईडी ट्यूब लाइट्स एंड 23.6 लाख एनर्जी एफिशिएंट फैंस डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर उजाला उजाला यानी कि उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल इसके अंडर में जो है 36.9 करोड़ एलईडी बल्ब्स देन 72.2 लाख एलईडी ट्यूब लाइट्स 23.6 लाख एनर्जी एफिशिएंट फैंस एंड जो है ये जो है उजाला के अंडर में ये जो है प्रोवाइड किया गया है उसके साथ साथ 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट भी इंस्टॉल किया गया है अंडर स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम अंडर स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम ठीक है तो सबसे पहले तो है ग्रेटर देन टेन करोड़ एलपीजी कनेक्शन अंडर पीएम उज्ज्वला योजना देन उजाला एंड एंड uh, उसके बाद जो है स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम के अंडर में जो है 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट जो है सरकार के द्वारा यहां पे जो है प्रोवाइड किए गए हैं क्लियर है इसका स्क्रीन शॉट उठा लेना बच्चों देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में देखो क्या हमें चेंज देखने को मिला है यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट

वाया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज टू बी नेगोशिएटेड कि कैसे हम लोग जो है और ज्यादा जो है एफ को कैसे हम लोग और ज्यादा प्रमोट करेंगे उसके ऊपर भी गवर्नमेंट जो है अभी ध्यान देगा देन एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स एयरपोर्ट्स का जो है यहाँ पे क्या है और एक्सपांशन देखने को मिलेगा उसके साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ न्यू एयरपोर्ट कि जो नए जो एयरपोर्ट्स हैं उसका जो है हम लोगों को ओवरऑल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा अंडर उड़ान स्कीम उड़ान स्कीम उड़ान का फुल फॉर्म मेरे को यहां पे कमेंट सेक्शन में बताओ उड़ान का फुल फॉर्म मेरे को यहां पे जो है कमेंट सेक्शन में बताओ ठीक है देन प्रमोशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन वाया मेट्रो रेल ठीक है जो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है यानी कि जो शहर में जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम लोग कैसे करेंगे बाई मेट्रो रेल एंड नमो भारत एंड नमो भारत जो नमो ट्रेन है ठीक है जो नमो है, उसके ऊपर भी हम लोग जो है यहां पे प्रमोशन करेंगे इन द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन उड़े देश का आम नागरिक रुचिर वेरी गुड विभा वेरी गुड उड़े देश का आम नागरिक हाँ उड़ान तो अंडर उड़ान गवर्नमेंट का यही एम है कि हम लोग जो है जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है

मिला है ठीक है सो इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है बच्चों एसेट क्रिएशन ठीक है जो एसेट क्रिएशन है इसमें देखो जो एसेट क्रिएशन है वो जो फाइनेंशियल ईयर 23 में कितना देखने को मिला ऑलमोस्ट सिक्स के ऊपर ठीक है देन फाइनेंशियल ईयर 24 में नाइन के ऊपर जो हम लोगों को जो है 9 लाख ,00 करोड़ के ऊपर हम लोगों को जो है यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर देखने को मिला एंड ये बढ़ के जो है ऑलमोस्ट इलेवन लाख uh, करोड़ के आसपास जो है फाइनेंशियल ईयर में ये जो है बजट है है कैपिटल एक्सपेंडिचर का ठीक एंड ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, है? जो, जो है वो ऑलमोस्ट जो है अबेंट ऑफ जीडीपी हम लोग सकते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फाइव महारिशि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट वीवा वेरी गुड ठीक है वेरी गुड हाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेरी गुड गुडा चलो डबलिंग ऑफ एफ डी आई इन देखो जो एफ डी आई आए हैं देखो सबसे पहले जब यूपीए का सरकार था उस समय 2005 से 14 के टाइम पे जो 298 नाइनटी एट यूएस डॉलर यानी कि 298 नाइनटी एट बिलियन यूएस डॉलर का जो है यहाँ पे एफ डी आई इनफ्लो था ये बढ़ के 2014 से 23 यानी कि जो एनडीए सरकार है उसके अंडर में कितना देखने को मिला एफडीआई हंड्रेड देखने को मिला बिलियन यूएस ऑलमोस्ट का जो है इसमें देखो डिफरेंट कैटेगरीज में पे हमें देखने को मिला है फाइनेंशियल 15 के बारे में बात अगर नेशनल हाईवेज देखो जो नेशनल हाईवेज है ये कितने बढ़ाए गए हैं ठीक है देखो इन किलोमीटर पहले कितना था 97,991 किलोमीटर ये बढ़ के हो गया है वन लाख फोर्टी फोर किलोमीटर फाइनेशियल ट्वेंटी 22 में इन टर्म्स ऑफ नेशनल हाईवेज बात करें अगर कार्गो ट्रैफिक एट मेजर पोर्ट्स ठीक है उसमें देखो 581.3 हंड्रेड एट्टी वन पॉइंट थ्री मिलियन टन का कार्गो था ये बढ़ के 720 जो है यहाँ पे मिलियन टन का कार्गो ट्रैफिक देखने को मिल रहा है देन जो इलेक्ट्रीफाइड रेल रूट है वो भी बढ़ा है फाइनेंशियल ईयर 15 से बढ़ के हो गया है फिफ्टी थाउजेंड हो गया है 50,394 किलोमीटर का उसके साथ साथ जो एयरक्राफ्ट मूवमेंट है इन मिलियन टन फाइनेंशियल ईयर फिफ्टीन में था सिक्सटीन मिलियन टन ये बढ़ के ट्वेंटी मिलियन टन हो गया है देन नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स फाइनेंशियल ईयर 15 में था 74 एंड अब जाके जो है ये बढ़ के हो गया 149 ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा ठीक है नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स जो है कितने यहां पे बढ़े हैं ठीक है तो पहले था फाइनेंशियल ईयर 15 में 74 ये बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 22 में 149 जो है ये हो गया है चलो नेक्स्ट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जो है नोट डाउन कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट उठा लेना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आउटले है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले है सरकार के तरफ से ठीक है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे हम लोग डेवलपमेंट करें अब देखो सरकार देखो यहाँ पे क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए कर रहा है अब हम लोगों को लग रहा है कि सरकार जो है जितना इनकम है उसे एक्सपेंडिचर तो कर रहा है एंड एक्सपेंडिचर में सबसे ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है यहाँ पे बट ये बाद में हमें फायदा देगा ठीक है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे तो एक टाइम पे जाके बाद में जो है हम लोगों का कंट्री को जो है ये फायदा देगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ये जो है इंक्रीज हो जाएगा बाई इलेवन पॉइंट वन परसेंट वेरी मच इंपॉर्टेंट टू वैल्यू कितना हो जाएगा इलेवन पॉइंट वन वन लैख करोड़ इलेवन पॉइंट वन वन लैख करोड़ इलेवन पॉइंट करोड़ इतना याद याद रखना रखना मुश्किल हो जाएगा तो ये याद रखना है करोड़ जी डी पी क्या हमें देखने को मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर गवर्नमेंट जो है यहाँ पे खर्चा करेगा ठीक है क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं देखो रेलवेज के बारे में तो जो मैं बोल रहा था कि तीन मेजर इकोनॉमिक कॉरिडोर कौन-कौन से होंगे सबसे पहला होगा एनर्जी मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर देन पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर एंड लास्टली जो है हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर ये तीन कॉरिडोर हम लोगों को देखने को मिलेगा अंडर थ्री मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम अंडर पीएम गतिशक्ति, ठीक है उसके साथ-साथ 40000 नॉर्मल रेल बोगिज़ ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा 40000 नॉर्मल रेल बोगिज़ ठीक है 40000 नॉर्मल रेल बोगीज को जो है इसको कन्वर्ट किया जाएगा टू वंदे भारत स्टैंडर्ड वंदे भारत ट्रेन का जो बोगीज जो है स्टैंडर्ड में फोर्टी थाउजेंड जो है नॉर्मल जो ट्रेन के बोगीज को जो है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा ठीक है अंडर द रेलवे सेक्टर इंपॉर्टेंट बन जाता है बहुत ही देन अगर एविएशन सेक्टर के बारे में बात करें अभी हम लोगों ने देखा कि जो नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स हैं वो डबल हो चुका है टू 149 उसके साथ साथ 517 ठीक है 517 517 न्यू रूट्स आर कैरिंग 1.3 करोड़ पैसेंजर्स 517 न्यू रूट्स जो है ये कैरी कर रहा है आ, कितना 1.3 करोड़ पैसेंजर्स उसके साथ साथ इंडियन कैरियर्स हैव प्लेस्ड ऑर्डर्स फॉर ओवर थाउजेंड न्यू एयरक्राफ्ट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है एंड पहला वाला पॉइंट कि नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स कितना है 149 उसके साथ साथ इंडियन कैरियर्स हैव प्लेस्ड ऑर्डर्स फॉर ओवर थाउजेंड

सही लेवल पर वो आ पाए उसमें भी जो है डेवलपमेंट हमें देखने को मिले तो ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें जो है डेवलपमेंट के तौर पे गवर्नमेंट जो है वहां पे काम करते हैं ताकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़े बाकी जो बेसिक जो जो सुविधाएं हैं वो भी वहां के लोगों को प्रोवाइड किया जाए तो उसे कहा जाता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम तो यही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम टू असिस्ट स्टेट्स ये जो है स्टेट्स को असिस्ट करेगा इन फास्टर डेवलपमेंट ताकि डेवलपमेंट फास्टर हो इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अब उसी के अंडर में देखो कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे कंट्री में ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक

ठीक है अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पर लाख पॉपुलेशन यानी कि हर एक लाख पॉपुलेशन में कितने लोग जो है यहां पे जीवन ज्योति बीमा योजना में अपने आप को डेटा है, तो है तेरह हजार एक सौ पचानवे यानी कि थर्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड कि फाइव पीपल पर वन लाख पॉपुलेशन पर वन लाख पॉपुलेशन जो है ये एनरोल किया है अंडर जीवन ज्योति बीमा योजना 2018 में कितना था ये सिर्फ 1737 था तो ये अच्छी बात है कि लोग जो है इंश्योरेंस की तरफ जो है आगे बढ़ रहे हैं गवर्नमेंट का जो इंश्योरेंस फॉर ऑल जो कैंपेन है वो भी जो है धीरे धीरे वो भी जो है सफल होता हुआ हमें दिख रहा है बच्चों मेरे को ये बताओ कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो प्रीमियम है वो कितने अमाउंट का होता है वो कितने अमाउंट का होता है प्रीमियम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना फोर हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स वेरी गुड विभा रुचिर वेरी गुड फोर हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स देखो आंसर सिर्फ विभा और रुचिर से आ रहा है बाकी सब क्या कर रहे हो बाकी सब भी आंसर करो ठीक है फोर हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स रुपीज पर एन एम ठीक है पर एन एम हर साल चलो हेल्थ के ऊपर क्या क्या है यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या देखो यहाँ पे अचीवमेंट देखने को मिला है सबसे पहला तो है एनकरेज सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स ठीक है जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन जो है बच्चों के लिए ठीक है मेनली जो है गर्ल्स के लिए उसको एनकरेज करना एंड वो भी कौन से एज ग्रुप के गर्ल्स के लिए नाइन टू फोर्टीन ईयर्स नौ से चौदह साल एज वाले बच्चों के लिए ठीक है ये जो हेल्थ सेक्टर में जो चेंजेस है देन सक्षम आंगनवाड़ी सक्षम आंगनवाड़ी यानी कि जो मान लो जो गांव है ठीक है या फिर जो मान लो रूरल एरियाज हैं वहां पे क्या है हम लोग बोल सकते हैं कि वही जो प्ले स्कूल वाला जो 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 प्ले स्कूल्स होते हैं वही क्या होता है वही आंगनवाड़ी होता है ठीक है एंड पोषण टू पॉइंटो पोषण टू पॉइंटो का मतलब क्या है कि बच्चों को जो है सही से खाना मिल रहा है कि नहीं ठीक है मान लो अगर बच्चों के पास अगर आयरन डेफिशिएंसी है उसको न्यूट्रिशन सही से मिल रहा है कि नहीं अगर मान लो उसके पास आयरन डेफिशिएंसी है तो उसको आयरन टैबलेट प्रोवाइड किया जाएगा तो यह सब जो है उस चीज के ऊपर ध्यान रखा जाएगा सो so, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषन टू बी पॉइंटिटेड फॉर इंप्रूव न्यूट्रिशन डिलीवरी ताकि जो है न्यूट्रिशन डिलीवरी मिले हर एक बच्चों को देन अर्ली

कोविड 19 के टाइम पे जैसे आया था ना कोविन प्लेटफॉर्म तो वैसे ही यू इन प्लेटफॉर्म फॉर इम्यूनाइजेशन एफर्ट्स ऑफ मिशन इंद्रधनुष टू बी रोल्ड आउट ये भी जो है हम लोगों को आने वाले समय में देखने को मिलेगा यू विन प्लेटफॉर्म ठीक है ध्यान में रखना है देन हेल्थ कवर अंडर आयुष्मान भारत स्कीम ठीक है जो हेल्थ कवर है अंडर आयुष्मान भारत स्कीम इसे जो है एक्सटेंड किया जाएगा टू आशा वर्कर्स आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स तो इन लोगों को भी जो है यहाँ पे आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर में हेल्थ कवर के अंडर में इन लोगों को लाया जाएगा तो हर एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है सबसे पहला क्या है टू एनकरेज सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स ऑफ एजेड नाइन टू फोर्टीन ईयर्स देन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण टू के ऊपर जो है यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा देन यू एन प्लेटफॉर्म इम्यूनाइजेशन एफर्ट्स ऑफ मिशन इंद्रधनुष टू बी रोल्ड आउट एंड लास्टली जो है आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर में जो है यहां पे आशा वर्कर्स आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड जो हेल्पर्स हैं उन लोगों को भी यहां पे जो है इंक्लूड किया जाएगा ठीक है नेक्स्ट अगर हाउसिंग के बारे में बात करें तो अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ठीक है तो ये जो है अभी जो है क्लोज टू अचीव थ्री करोड़ हाउसेस इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम अचीव करने वाला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ठीक है उसके साथ साथ ये कहा गया है कि आने वाले पांच सालों में जो है एडिशनल दो करोड़ घर को जो है यहाँ पे टारगेट किया जाएगा आने वाले पांच सालों में एडिशनल दो करोड़ घर को जो है यहाँ पे टारगेट किया जाएगा उसके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास स्कीम टू बी लॉन्च टू प्रोमोट मिडिल क्लास टू बाई और बिल्ड देयर ओन हाउस तो बोला जा रहा है कि मिडिल क्लास के लिए भी जो है हाउसिंग स्कीम लॉन्च किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से ताकि जो मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं वो लोग खुद से जो है घर को खरीद पाए या फिर खुद से घर बना पाए उसके साथ साथ देखो पीएम जो आवास योजना है उसके अंडर में यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेशन कितना है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है इसका वैल्यू जो है नोट डाउन कर लेना है कि 2023-24 में 2023-24 में ठीक है 79,590 करोड़ का बजट एस्टिमेट था 79,590 करोड़ का बजट एस्टिमेट था एंड इसे जो है बढ़ा के कर दिया है 2024-25 में 80,671 जो है ये Uh, करोड़ का बजट एस्टिमेट कर दिया है हालांकि सिर्फ जो है लगभग ये uh, कितना हजार करोड़ का ही जो है यहां पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है ठीक है जो इंक्रीमेंट देखने को मिला है फॉर बजट एलोकेशन बट फिर भी ये जो है इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम है कि आवास योजना के लिए जो है सरकार की तरफ से कितना जो है बजट एलोकेशन देखने को मिला है एज अ बजट एस्टिमेट कितना देखने को मिला है तो एट्टी करोड़ का चलो देन टूरिज्म सेक्टर टूरिज्म सेक्टर के ऊपर में अगर बात करें तो स्टेट्स विल बी इनकरेज टू अंडरटेक डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स कि स्टेट्स को जो है एनकरेजमेंट किया जाएगा कि वो भी जो है यहाँ पे जो है आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर के ऊपर वहां पे काम करे ताकि अब अब देखो वहां पे अगर टूरिस्ट सेंटर्स अगर बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली क्या है बिजनेस बढ़ेगा बिजनेस बढ़ेगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा देखो जैसे अयोध्या में यहाँ पे राम मंदिर का जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे इनोग्रेशन किया गया तो यहाँ पे क्या है अल्टीमेटली वहां पे टूरिस्ट विजिट करेंगे टूरिस्ट विजिट करेगा तो वहां पे जो है बिजनेस बढ़ेगा वहां पे ठीक है वहां पे जो टूरिज्म जो इंडस्ट्री है वो और जो है वहां पे बूम करेगा अल्टीमेटली वहां का इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा तो वही बोला जा रहा है कि स्टेट्स विल बी एनकरेज टू अंडरटेक डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स टू अट्रैक्ट बिजनेस एंड प्रोमोट अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल ऑन्टरप्रनोरशिप उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स जैसे जो 50 ईयर जो लोन्स हैं ठीक है स्टेट्स तो को प्रोवाइड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ताकि, ताकि ये जो है स्टेट्स को एनकरेजमेंट मिले ताकि वहां पर जो है डेवलपमेंट हो पाए उसके साथ साथ जी ट्वेंटी मीटिंग देखने को मिलेगा इन सिक्सटी प्लेसेस प्रेजेंटेड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया टू ग्लोबल ऑडियंस ये भी हम लोगों को देखने को मिला था जी ट्वेंटी साठ ऐसे जो है शहर में जो है यहाँ पे क्या है जी ट्वेंटी पे क्या है इंडिया का डाइवर्सिटी जो है वहां पे दर्शाया गया है तो इससे क्या है टूरिज्म सेक्टर को भी जो है यहां पे फायदा मिलेगा ऊपर से अभी जो रिसेंटली जो यहां पे कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा था इंडिया मॉल के बीच में तो उसी बीच में लक्षद्वीप जो लक्षद्वीप है ठीक है लक्षद्वीप के ऊपर भी जो है गवर्नमेंट का भी एम है कि वहां पे जो है टूरिज्म सेक्टर को कैसे हम लोग इंप्रूव करें तो टाटा ने ऑलरेडी ये कह दिया है कि हम लोग जो है वहां पे दो होटल्स जो है ऑलरेडी हम लोग बना रहे हैं एंड गवर्नमेंट का मेन यही एम है कि जो मालदीव जाने वाले जो टूरिस्ट हैं उसको जो है यहाँ पे लक्षद्वीप में कैसे हम लोग जो है यहाँ पे अट्रैक्ट करें तो प्रोजेक्ट्स फॉर पोर्ट कनेक्टिविटी टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्यूनिटीज विल बी टेकन अप इन आइलैंड्स इंक्लूडिंग लक्षद्वीप ठीक है तो इसमें जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा अंडर टूरिज्म सेक्टर बात करें अगर एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में तो गवर्नमेंट क्या प्रोमोट करेगा प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज यानी कि देखो फसल जो है हार्वेस्ट हो गया फसल का फसल यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ उसका हार्वेस्ट हो गया अब उसके बाद जो फसल है वो किसके पास जो है यहाँ पे बेचा जाएगा चाहे वो प्राइवेट एंटिटीज़ के पास या फिर जो यहाँ पे पब्लिक जो एंटिटीज़ हैं उसके पास भेजा जाएगा तो इसमें जो है गवर्नमेंट प्रोमोट करेगा बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज उसके साथ साथ गवर्नमेंट इसके ऊपर भी ध्यान रखेगा कि कैसे जो यहाँ पे फर्टिलाइजर्स हैं जैसे मान लो नैनो डी यानी कि डाई एमोनियम फॉस्पेट कैसे हम लोग जो है यहाँ पे डाई नैनो डाई एमोनियम फॉस्पेट को कैसे हम लोग एक्सपांड करें इन इन एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स या फिर मान लो यूरिया को कैसे हम लोग जो है और जो है यहाँ पे जो है प्रोमोट करें उसके साथ साथ गवर्नमेंट का यहाँ पे प्लान क्या है कि हम लोग जो है ऑयल सीड्स को लेकर जो है हम लोग यहाँ पे जो है आत्मनिर्भर बने कि खुद जो है हम लोग जो है ऑयल सीड्स को प्रोक्योर करें यहाँ पे सो आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान स्ट्रेटजी टू भी फॉर्मुलेटेड टू अचीव आत्मनिर्भरता फॉर ऑयल सीड्स ठीक है तो इसके लिए गवर्नमेंट का एक पोर्टल भी है ठीक है ई समृद्धि पोर्टल इसके ऊपर अभी रिसेंटली न्यूज भी आया था ई समृद्धि पोर्टल फॉर तूर दाल ठीक है आया था कि गवर्नमेंट का एम है कि दो तक जो है आत्मनिर्भर बन जाए इन द दल्स सेक्टर तो गवर्नमेंट जो है यही ट्राई कर रहा है कि हर एक सेक्टर्स में जो है कैसे जो है वो खुद जो है आत्मनिर्भर बने तो वैसे ही जो है गवर्नमेंट का भी एम क्या है कि आत्मनिर्भर बने इन द ऑयल सीड सेक्टर देन कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट कैसे जो है हम लोग डेयरी सेक्टर में कैसे हम लोग और डेवलपमेंट कर पाए अब डेयरी डेवलपमेंट अगर हो जाएगा उससे क्या है डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट्स भी हम लोगों को देखने को मिलेगा जो मान लो हम लोग बाहर से मान लो हम लोग लो मंगवाते हैं तो हम लोगों को इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा हम लोग जो है यहीं पे प्रोड्यूस कर पाएंगे एंड हम लोग बाहर एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे तो अल्टीमेटली हम लोग का इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो है यहाँ पे एम है फॉर डेयरी डेवलपमेंट उसके साथ साथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ठीक है जो मत्स्य संपदा योजना यानी कि यहाँ पे जो आ, जो अहा पे जो फिशरीज सेक्टर में यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में जो बात यहाँ पे किया गया है यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि कैसे हम लोग जो है एक्वाकल्चर को कैसे हम लोग और प्रमोट करें ठीक है कैसे हम लोग फिश का जो एक्सपोर्ट है कैसे उसको हम लोग और बढ़ाएं एंड कैसे हम लोग और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करें तो उसके लिए वेरी मच इंपॉर्टेंट कि फाइव इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क टू बी सेटअप पांच इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क जो है इंडिया में सेटअप किए जाएंगे किसके लिए

एक्वा कल्चर जो एक्वा कल्चर है उसमें देखो फंड एलोकेशन कितना है गवर्नमेंट की तरफ से अगर बात एस्टीमेट कितना था, 2025 करोड़ का ये 2024-25 में ब्लू रेवोल्यूशन वही एक्वाकल्चर में गवर्नमेंट का यहां पे इन्वेस्टमेंट कितना है टू थ्री फाइव टू टू थ्री फाइव टू करोड़ का जो है यहां पे एलोकेशन है देन जो पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम है उसके लिए एलोकेशन भी बढ़ा दिया गया है सरकार के तरफ से 2023-24 में था 639 करोड़ का एंड 2024-25 में जो बजट बजेमेट है वो कितना है एट एंड एट्टी करोड़ का जो है यहाँ पे बजट एस्टिमेट है बात करें अगर रिफॉर्म्स इन द स्टेट्स फॉर विकसित भारत की स्टेट्स में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेगा फॉर अ डेवलप्ड नेशन की ताकि हम लोग एक डेवलप्ड नेशन जो हम लोग का एम है बाई ट्वेंटी फोर्टी सेवन उसको हम लोग अचीव कर पाए उसके लिए क्या है प्रोविजन ऑफ सेवेंटी फाइव थाउजेंड करोड़ की पचहत्तर हजार करोड़ का जो है यहाँ पे प्रोविजन जो है यहाँ पे यहाँ पे जो है सरकार की तरफ से देखने को मिलेगा एज फिफ्टी ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन एज फिफ्टी ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन ठीक है पचास साल का इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए जो है पचहत्तर हजार करोड़ का जो है प्रोविजन देखने को मिलेगा इस प्रोपोज टू सपोर्ट माइल स्टोन लिंक्ड रिफॉर्म्स बाई द स्टेट गवर्नमेंट ठीक है तो यहां पे जो है पचहत्तर हजार करोड़ का जो है प्रोविजन देखने को मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ताकि पचास साल का यहां पे जो है इंटरेस्ट फ्री लोन देखने को मिलेगा अब इससे क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट को जो है और यहां पे डेवलपमेंट करेंगे अल्टीमेटली वही जो हम लोगों ने टूरिज्म में देखा कि अल्टीमेटली जो है टूरिज्म सेक्टर भी बूम करेगा अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा तो हम लोग का यहां पे जो एम है विकसित भारत का उसको हम लोग जो है यहां पे अचीव कर पाएंगे क्लियर है चलो अब देखो हम लोगों का इंडियन इकोनॉमी का जो रेजिलियट परफॉर्मेंस है तो जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है तो गवर्नमेंट यहाँ पे जो है अपना जो है पीठ थपथपाते हुए यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे ग्राफ्स प्रोवाइड किए गए हैं ठीक है गवर्नमेंट की तरफ से तो उसको एक बार देख लेते हैं वेरी मच इंपॉर्टेंट जो लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ठीक है तो परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी सबसे पहला किसके ऊपर है करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर है सबसे पहला जो है करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर है व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट करंट अकाउंट डेफिसिट अगर कैड के बारे में बात करें तो देखो हम लोग क्या करते हैं हम लोग जब हम लोग जब एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग जब एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या है पैसा क्या है कंट्री में वापस आ रहा है एंड जब हम लोग इम्पोर्ट करते हैं तो क्या है हम लोगों को जो है पैसा देना पड़ता है तो इसके बीच में जो डिफरेंस है उसको कहा जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट उसको कहा जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट अब हम लोगों का दो सौ रुपए का मान लो हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया एंड मान लो अगर पांच रुपए का मान लो अगर हम लोगों लो, लो 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 ने, लो 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 ने यहां पे अगर इंपोर्ट किया तो अल्टीमेटली हम लोगों का क्या है डेफिसिट कितना है माइनस तीन का हम लोग का डेफिसिट कितना है माइनस तीन सौ का तो गवर्नमेंट का यही जो है अभी सोच है कि कैसे हम लोग करंट अकाउंट डिफिसिट को कैसे हम लोग कम करें क्लियर है करंट अकाउंट डेफिसिट क्लियर है बच्चों अगर क्लियर है तो बताओ यहाँ पे यस लिख देना ठीक है Uh, तो देखो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है गवर्नमेंट का यही पे जो है मेन एम है कि कैसे हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट को कैसे हम लोग कम करें सो so, देखो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है एज अ परसेंटेज ऑफ जी जो जी डी जो है देखो कम हो रहा है अल्टीमेटली ये जो है फर्स्ट हाफ का डेटा है ठीक है फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 ये जो है प्रोजेक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से तो देखो धीरे धीरे देखो जो करंट अकाउंट डेफिसिट ये क्या है

3.2 परसेंट इक्कीस बाईस में कितना था 4.1 परसेंट था तो 2017-18 में था ये 6.1 परसेंट वहाँ से कम होते हुए अभी जो है 2022 हजार में कितना रहा है 3.2 परसेंट का जो है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमें देखने को मिला है डिक्लाइनिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइनिंग जी एन पी एस यानी कि ग्रॉस जो एनपीए है एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट ठीक है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है यानी कि जो लोन्स को रिपे नहीं किया जाता जो 90 डेज तक जो लोन्स रिपे नहीं किया जाता उसे कहा जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो वही जो है जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ठीक है एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एडवांसेस यानी कि जितने लोन दिए गए हैं उसके उसके परस्पेक्टिव से कितने एनपीएस हैं तो एनपीए का नंबर भी जो है देखो यहाँ पे क्या है धीरे धीरे देखो यहाँ पे कम होता हुआ हमें दिख रहा है ठीक है तो देखो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 22 एंड ये जो है सितंबर 23 तो देखो धीरे धीरे जो ग्रॉस एनपीएज है वो भी जो है यहाँ पे धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है लास्टली यहाँ पे थ्री परसेंट ये क्या है ये जो है 3.2 ऑफ़ ऑफ़ ग्रॉस ग्रॉस एनपीए अ परसेंटेज एडवांसेस जितने लोन दिए गए हैं उसके 3.2 परसेंट जो है वो ग्रॉस एनपीए है यहां पे देखो जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो हमारे कंट्री में बढ़ रहा है हम लोगों ने शुरुआत में ही देखा कि गवर्नमेंट का मेन यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे हम लोग है, है? लो यहाँ पे, तो पे, पे, पे बढ़ रहा है तो देखो फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी में देखो धीरे धीरे ये जो है फाइनेंशियल एटीन से जो है ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है बात करें अगर ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन का बात करें अगर ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन का तो ये देखो ये भी देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है अल्टीमेटली जो अभी जो एवरेज है जो हमारे जो 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 अभी जो financial year जो चल रहा है उसमें क्या है अराउंड 1.66, यानी ग्रेटर देन 1.5 लाख करोड़ का जो है यहाँ पे एवरेज है एंड एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये जो है वही 1.7 लाख करोड़ को जो है ये जो है छू लेगा। देन जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसमें भी जो हम लोगों को गिरावट देखने को मिला है जो महंगाई जो है कम होता हुआ हमें दिख रहा है देखो यहाँ पे 6.7 पॉइंट सेवन परसेंट फाइनेंशियल ट्वेंटी थ्री फाइनेंशियल ट्वेंटी फोर जो है ये कितना है 5.5 पॉइंट फाइव परसेंट जो है फॉल इन हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है हमें देखने को मिल रहा है देन जो रिवाइज एस्टिमेट है ये जो वैल्यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है देखो जो रिवाइज एस्टिमेट है ये जो है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर का है ये जो है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर का है इसके बाद क्या है इसके बाद हम लोग जो जो है एक्सपेक्टेड जो, जो है उसे भी हम लोग देखेंगे तो जो हैं ऑफ द टोटल रिवाइजल कितना है ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव सिक्स लाख करोड़ देखो जो इनकम हुए हैं अदर देन बोरोइंग अब देखो यहां पे मैं समझा देता हूं देखो गवर्नमेंट का जो इनकम है यानी कि सॉरी जो रिसीट्स हैं जो रिसीट्स हैं ठीक है उसमें जो है एक है रेवेन्यू रिसीट एक है रेवेन्यू रिसीट, दूसरा क्या है कैपिटल रिसीट, ठीक है अब ये रेवेन्यू रिसीट जो है क्या है एक जो है टैक्सेबल होता है एक जो है नॉन टैक्सेबल होता है क्लियर है एक टैक्सेबल होता है एक जो है नॉन टैक्सेबल होता है तो वही सेम चीज वही सेम चीज देखो आउट ऑफ टोटल रिसीट अदर देन वो कितना है रुपीज ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव सिक्स लैख करोड़ का ठीक है वो कितना है रुपीज रुपीज ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव सिक्स लैख करोड़ का एंड इस एंड इनमें से टैक्स रिसीट कितना है 23.24 लाख करोड़ का इनमें से टैक्स से जो है कितना पैसा यहां पे मिला है सरकार को 23.24 लाख करोड़ का वेरी मच इम्पोर्टेंट नोट डाउन कर लेना इसे. Then, then जो -E है जो रिवाइज है ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का वो कितना है 44.90 लाख करोड़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टोटल जो एक्सपेंडिचर है ठीक है आ ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर वो कितना है 44.90 लाख करोड़ का देन जो रेवेन्यू रिसीट है जो रेवेन्यू रिसीट है वो कितना है 30.03 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू रिसीट है वो कितना है 30.03 लाख uh, like करोड़ का आर एक्सपेक्टेड टू बी हाईर देन द बजट एस्टिमेट यानी कि अभी जो हम लोगों ने देखा कि ये जो रेवेन्यू रिसीट है ये कितना है थर्टी पॉइंट वही कितना हम लोगों ने देखा अभी थर्टी पॉइंट जीरो थ्री लैख करोड़ का ठीक है देन आरी ऑफ द फिजकल डेफिसिट इज फाइव पॉइंट एट परसेंट ऑफ जी डी पी फॉर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ये वेरी मच इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल डेफिसिट का रिवाइज एस्टिमेट कितना है फिजिकल डेफिसिट यानी कि अगर एक्सपेंडिचर अगर बढ़ जाए किससे इनकम से, Income से. ठीक है तो उसे जो हम लोग फिजिकल डेफिसिट हम लोग कहेंगे तो यही फिजिकल डेफिसिट जो है इसका रिवाइज एस्टिमेट कितना है 5.8 परसेंट ऑफ जीडीपी एंड ये जो है गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्शन है कि आने वाले जो फिजिकल ईयर है उसमें हम लोगों को 5.1 परसेंट ऑफ द जीडीपी हम लोगों को देखने को मिलेगा 5.1 ऑफ द जी हम लोग को जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा देन उसके साथ साथ जो बजट एस्टिमेट है ट्वेंटी अब ये हम लोगों ने देखा क्या ये वाला साल जो 23-24 इसका रिवाइज एस्टिमेट कितना है देखो जो रिसीट है ठीक है उसमें जो है, उसमें जो है बोरोइंग सब मिला के जो है, वो रहता है तो उसमें बोरोइंग हटा के जो टोटल जो यहाँ पे जो इनकम है ठीक है एंड टोटल एक्सपेंडिचर तो देखो ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि टोटल इनकम कितना रहेगा 30.80 लाख करोड़ का टोटल यहाँ पे जो है ये कितना रहेगा करोड़ का तो अल्टीमेटली हम लोगों को जो है, तो देखने को रहा है कि जो इनकम है वो कितना देखो 30.80 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर कितना है 47.66 लाख करोड़ का उसके साथ जो टैक्स रिसीट है जो टैक्स रिसीट है यानी कि टैक्स से जो इनकम आ रहा है वो कितना है ट्वेंटी सिक्स पॉइंट जीरो ,00 ,00 करोड़ का जो है यहाँ पे इनकम हमें देखने सेवनटी फाइव थाउजेंड करोड़ का तो यहाँ पे देखो क्या है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर टू स्टेट्स टू बी कंट्रीन्यूट दिस ईयर विथ टोटल आउटले ऑफ वन पॉइंट थ्री लाख करोड़ इसे जो है बढ़ा के कितना कर दिया जाएगा 1.3 लाख करोड़ जो है इसे कर दिया जाएगा जो 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन है इसे जो है जरूर नोट डाउन कर लेना है नहीं तो स्क्रीनशॉट उठा लेना है इसका देन फिस्कल डेफिसिट जो है 24-25 में उसे एस्टिमेट किया जा रहा है 5.1 परसेंट ऑफ जीडीपी देखो 23-24 में हम लोगों ने कितना देखा था 5.8 ऑफ जीडीपी तो यानी कि गवर्नमेंट ये जो है प्रोजेक्ट कर रहा है कि आने वाले साल में जो फिस्कल डेफिसिट है वो जो है कम हो जाएगा उसके साथ साथ ग्रॉस एंड नेट मार्केट बोरोइंग थ्रू डेटेड सिक्योरिटीज ड्यूरिंग 24-25 वो देखो जो ग्रॉस जो यहां पे बोरोइंग है वो यहां पे कितना बोला जा रहा है 14.13 लाख करोड़ का एंड जो नेट जो मार्केट बोरोइंग है वो ये बोला जा रहा है अराउंड 11.75 लाख करोड़ का ठीक है देन जो पार्ट बी है यानी कि जो टैक्सेशन वाला जो पार्ट है उसको फटाफट एक बार देख लेते हैं जो टैक्सेशन वाला पार्ट है इसमें देखो गवर्नमेंट का अचीवमेंट क्या रहा है इन केस ऑफ टैक्सेशन गवर्नमेंट का अचीवमेंट क्या रहा है इन केस ऑफ टैक्सेशन तो देखो गवर्नमेंट ने यह कहा है कि जो डायरेक्ट जो टैक्स कलेक्शन है जो डायरेक्ट जो टैक्स कलेक्शन है मोर देन ट्रेबल्ड इन लास्ट टेन ईयर्स तो उनका ये कहना है कि लास्ट दस सालों में जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है ये जो है बढ़ा है ठीक है Of to times. इसके जो है नोट डाउन कर लेना है कि नंबर ऑफ जो यहाँ पे जो इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल किए हैं वो जो है टू पॉइंट बढ़ गए हैं उसके साथ साथ जो फास्टर रिफंड है फास्टर रिफंड एक देखना एक टर्म है आई यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न हम लोग क्या करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं क्या है मान लो मान लो हम लोग अगर उस स्लैब में आते हैं जहां पे इनकम टैक्स को नहीं भरना है अब क्या है जब हम लोग को मान लो मान लो किसी में टेन तो परसेंट जो, जो है वो क्या है काट लेता है एज टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स ठीक है तो मान लो वहां पे टेन काट लिया क्या चार हजार काट लिया अब क्या है तुम मान लो उस इनकम टैक्स स्लैब में तुम नहीं आते हो Then, तुम क्या करोगे वहां पे तुम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे कि मेरे को जो है इनकम टैक्स जो है अब मेरे पास जो है यहाँ पे इनकम टैक्स भरने का मेरे पास हैसियत नहीं है आप मेरे को जो है पैसा रिफंड कर दीजिए तो वही बोला जा रहा है कि जो फास्टर रिफंड यानी कि पहले देखो जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो आने में नाइन्टी डेज टाइम लगता था ठीक है 2013-14 में एंड अब जाके जो है ये टाइम लगता है कितना दस दिनों का टाइम लगता है, कि जो है, जो है, उसमें जो है, है वो जो है डबल हो चुका है टू 1.66 लाख करोड़ जरूर नोट डाउन कर लेना है ठीक है देन इंक्रीज इन टैक्स बुएंसी जो टैक्स है वो भी जो है जो टैक्स बुएंसी है उसमें भी हम लोगों को जो है स्टेट रेवेन्यू के थ्रू उसमें भी हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिला है फ्रॉम जीरो पॉइंट सेवन टू से लेके बढ़ के कितना हो गया है GST के बाद वाले पीरियड में कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट देखने को मिला है कि रिडक्शन इन लॉजिस्टिक कॉस्ट जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसमें जो है कमी देखने को मिला उसके साथ साथ द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस उसमें भी जो है रिडक्शन देखने को मिला है अगर बात करें जीएसटी के पॉजिटिव सेंटीमेंट के बारे में तो देखो 94% ऑफ इंडस्ट्री लीडर्स लीजर्स व्यू ट्रांजिशन टू जीएसटी एस एज लार्जली पॉजिटिव ये जो है गवर्नमेंट का डाटा है कि 94% जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि जो जीएसटी है उसका जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट है हम लोगों का इकोनॉमी में उसके साथ साथ 80% परसेंट ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स ये फील करता है कि जीएसटी के वजह से जो है जो सप्लाई चेन जो मैनेजमेंट है वो जो है और तरह तरह के जो है यहाँ पे मटेरियल जो है हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं बाहर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं एक्सपोर्ट कर सकते हैं ठीक है थीके? तो उसके लिए क्या चाहिए सप्लाई चेन जो जो सप्लाई चेन जो है जो मैनेजमेंट है उसको जो है और यहाँ पे बढ़ना पड़ेगा एंड उसके लिए जब ये कहा जा रहा है कि एट्टी परसेंट ऑफ द रेस्पेंट ये फील करता है कि जी जो है इसके लिए बहुत ही फायदेमंद है देन अल्टीमेटली जो है जीएसटी को जो है यहाँ पे पॉजिटिवली जो है लोग ले रहे हैं देन हम लोगों को जो है इम्पोर्ट में जो है यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है सिंस 2019 तो ये अच्छी बात है देखो फोर्टी सेवन परसेंट इन इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट्स एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स एंड 27% एट सी पोर्ट्स जो है हम लोगों को डिक्लाइन इन इम्पोर्ट देखने को मिला है उसके साथ साथ अगर बात करें टैक्स प्रपोजल्स के बारे में देखो जो कंटिन्यूटी इन टैक्सेशन के बारे में अगर बात करें तो देखो जो स्टार्टअप्स हैं जो नए जो बिजनेस हैं अल्टीमेटली क्या है सरकार की तरफ से उन लोगों को कुछ बेनिफिट दिया जाता है अब वो जो बेनिफिट था वो अल्टीमेटली वो जो है इकतीस तीन यानी कि इकतीस मार्च दो में वो जो है बेनिफिट खत्म हो रहे थे ठीक है अब होता क्या है कि मान लो कोई नया कोई अगर स्टार्टअप खुला है ठीक है वो लोग अगर शुरुआत से ही अगर वो अगर टैक्स पे करने लगेगा तो वो कमाएगा क्या और टैक्स क्या पे करेगा तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है कुछ छूट देता है अब वो जो है एंड होने वाला था ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी उसको जो है एक्सटेंड कर दिया है अपटू थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव यानी कि एक साल का एक्सटेंशन मिला है ठीक है उसके साथ साथ ये बहुत अच्छी बात है ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इंटरव्यू के लिए भी कि विद्रॉवल ऑफ आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड मेंस और इंटरव्यू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि विड्रॉल ऑफ आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड यानी कि अगर मान लो किसी ने यहां पे टैक्स नहीं भरा है मान लो किसी ने इनकम टैक्स नहीं भरा है ठीक है तो अगर यहां पे देखो फाइनेंशियल ईयर टेन फाइनेंशियल ईयर टेन का अगर किसी ने मान लो 25000 तक का मान लो यहां पे अगर टैक्स अगर नहीं भरा है देन गवर्नमेंट जो है उसको जो है माफ कर देगा एंड अप फाइनेंशियल फाइनेंशियल ईयर ईयर अगर किसी ने अगर दस हजार तक का जो है गवर्नमेंट माफ, तो, uh, माफ कर देगा इसके वजह से कितने लोग या फिर कितने टैक्स पेयर्स को बेनिफिट मिलेगा अराउंड अप्रोक्सीमेटली वन करोड़ टैक्स पेयर्स को जो है यहाँ पे क्या है बेनिफिट देखने को मिलेगा ठीक है भाग्यश्री यस yes. ठीक है चलो हम लोग एंड के तरफ ही आ गए हैं ऑलमोस्ट ठीक है रिटेंशन ऑफ सेम टैक्स रेट याद रखना है जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो टैक्स रेट है उसमें जो है कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिला है ठीक है इस साल सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज में भी जो है कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है बात करें अगर कॉर्पोरेट टैक्सेस के बारे में तो जो एग्जिस्टिंग जो कॉर्पोरेट जो यहाँ पे बॉडीज है उसके लिए टैक्सेस कितना है

देन uh, हर एक uh, जो मिनिस्ट्रीज हैं उसमें जो फंड एलोकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो सबसे ज्यादा जो है सिक्स पॉइंट टू लाख करोड़ जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो है यहाँ पे एलोकेट किया गया है उसके बाद जो है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में टू पॉइंट सेवन एट लाख करोड़ रेलवेज में टू पॉइंट फाइव फाइव लाख करोड़ का जो कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन टू पॉइंट वन थ्री लाख करोड़ होम अफेयर्स में 2.03 लाख करोड़ रूरल डेवलपमेंट में 1.77 लाख करोड़ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर में 1.68 लाख करोड़ कम्युनिकेशन में 1.37 एंड लास्टली एग्रीकल्चर यहाँ पे दिख नहीं रहा है यह वन पॉइंट टू करोड़ का ठीक है 1.27 लाख करोड़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा ठीक है तो देख लेना सबसे ज्यादा किस में है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सबसे कम किस में है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ठीक है लास्ट ईयर जो है सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में था सबसे कम था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में इस साल जो है सबसे कम है किसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में जो है सबसे कम है वन पॉइंट टू सेवन लैख करोड़ का ठीक है चलो मेजर स्कीम्स में जो है गवर्नमेंट की तरफ से कितना एलोकेशन हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कितना एलोकेशन देखने को मिला है सबसे पहला जो मनरेगा जो स्कीम है मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो मनरेगा स्कीम है उसके अंडर में देखो दो हजार में बजट एस्टिमेट कितना था साठ हजार यहाँ पे जो है साठ हजार करोड़ का यहाँ पे बजट एस्टीमेट था उसे बढ़ा के 24-25 में बजट एस्टीमेट कितना है 86,000 करोड़ का वेरी मच इंपॉर्टेंट मनरेगा ठीक है देन आयुष्मान भारत आयुष्मान भारत यानी कि यहाँ पे जो हेल्थ सेक्टर में जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसमें देखो तेईस चौबीस में सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड करोड़ का यहाँ पे जो है यहाँ पे फंड एलोकेशन था और इसे चौबीस पच्चीस में बढ़ा के सात हजार पांच सौ करोड़ का यहाँ पे फंड एलोकेशन कर दिया गया है उसके साथ साथ प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी कि गवर्नमेंट क्या चाहता है कि वो जो है प्रोडक्शन को बूस्ट करना चाहता है ठीक है टू बूस्ट प्रोडक्शन ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोडक्शन हो उसके लिए गवर्नमेंट क्या है 23 24 में गवर्नमेंट का यहाँ पे फंड एलोकेशन कितना है 4645 4645 लाख करोड़ का यहाँ पे जो है गवर्नमेंट का एलोकेशन है एंड 24 25 में कितना है 6200 लाख करोड़ का जो है यहां पे बजट एस्टीमेट है उसके साथ साथ जो सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैनुफैक्चरिंग सिस्टम को और आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से देखो इस सेक्टर में 2023-24 में बजट एस्टिमेट था 3000 करोड़ इस साल बढ़ा के कर दिया गया है 6903 करोड़ लास्टली सोलर पावर ग्रिड है उसमें जो है यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को और आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से देखो 2023-24 में बजट एस्टिमेट था 4970 इसे जो है 2024-25 में 8500 करोड़ जो है इसको बढ़ा के कर दिया गया है

करोड़ तो हर एक जो यहाँ पे जो डेटा है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है क्योंकि तो हर एक जो मेजर स्कीम्स हैं एंड बच्चों ये मत सोचना कि सिर्फ इतना पढ़ने से हो जाएगा यहाँ पे जो मेजर स्कीम्स हैं इस मेजर स्कीम्स को भी जो है यहाँ पे इन डिटेल में पढ़ना है अगर तुम लोग ये चाहते हो कि जितने भी स्कीम्स यहाँ पे इस साल का ये इंटरीम बजट में मैंशन किया गया है उसका एक इन डिटेल में एक सेशन मैं लू तो मेरे को यहां पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम लोगों को यहां का जो बजट में जो मेंशन किया गया है उस स्कीम का एक लेक्चर चाहिए कि नहीं ठीक है चलो लास्टली देख लेते हैं कि गवर्नमेंट का इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये जो है लास्ट है ठीक है गवर्नमेंट का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो देखो यहां पे गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू रिसीट है जो रेवेन्यू रिसीट uh, है यानी कि जो टैक्सेबल सोर्स एंड नॉन टैक्सेबल सोर्स से गवर्नमेंट का जो इनकम होता है ठीक है उसमें देखो तेईस चौबीस बाईस तेईस का एक्चुअल यहाँ पे तेईस चौबीस का बजट एस्टिमेट तेईस चौबीस का रियल एस्टिमेट एंड यहाँ पे जो है चौबीस पच्चीस का बजट एस्टिमेट यहाँ पे दिया गया है जहां पे ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू रिसीट है यानी कि जो इनकम uh, है वो क्या है बढ़ेगा जो कैपिटल रिसीट है जो कैपिटल रिसीट है यानी कि मान लो जो लोन्स मान लो जो गवर्नमेंट जो ले रहा है वो क्या है धीरे धीरे हमें जो है घटता हुआ दिखेगा सही बात है ठीक है ये जो है धीरे धीरे जो है घटता हुआ हमें दिखेगा देन अल्टीमेटली जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट मान लो जैसे सैलरी प्रोवाइड करता है सब्सिडीज प्रोवाइड करता है ठीक है जो छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं जैसे मान लो सैलरी प्रोवाइड करता है सब्सिडीज प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट ठीक है तो ये जो ये ये आ जाता है अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है रुचि डिटेल लेक्चर ऑन स्कीम्स विल बी वेरी हेल्पफुल ठीक है मैं लेकर आऊंगा मैं लेकर आऊंगा जो भी स्कीम्स यहाँ पे दिए गए हैं ठीक है तुम्हारे बजट में उसके ऊपर तो एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेगा तो उसके ऊपर मैं डिटेल्ड लेक्चर में लेकर आऊंगा ठीक है एंड उसके ऊपर एक और मैं लेक्चर मैं सोच रहा हूँ कि ये जो आ, आज मैंने जो बजट पढ़ाया उसके ऊपर जो एमसीक्यू सेशन का भी एक जो है यहाँ पे लेक्चर मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ ठीक है उसके बारे में तुमको बता दिया जाएगा ग्रुप्स में चलो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है मान लो जो छोटे मोटे जो यहाँ पे जो खर्चे हैं गवर्नमेंट की तरफ से जैसे मान लो सैलरी हो गया सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है ये सब के लिए जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो देखो क्या है यहाँ पे जो है बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा बच्चों इसका स्क्रीन उठा लेना है ये जो है लास्ट स्लाइड का इसका भी एक स्क्रीन उठा लेना है ठीक है ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर के बाद जो है इसका स्क्रीनशॉट उठा लेना है देन जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि जो एसेट क्रिएशन है उसके लिए जो गवर्नमेंट का जो खर्चा है ठीक है वो देखो वो भी देखो यहाँ पे बढ़ रहा है बट वो उतना पेस से जो है नहीं बढ़ रहा है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना बढ़ना चाहिए हाँ बट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो जो है यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है हालांकि कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर और ज्यादा बढ़ता तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ही बाद में फायदा होता बट ठीक है कोई बात नहीं यहाँ पे भी देखो हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है लाख करोड़ जो है हम लोगों का बजट एस्टिमेट है इन द ईयर ऑफ ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ठीक है तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही कैसा लगा आज का सेशन मेरे को जरूर बताओ कि कैसा लगा आज का सेशन समझ में आया कि नहीं अगर अच्छा लगे तो सेशन को जरूर लाइक कर देना ठीक है क्लियर है बच्चों चलो चलो तो ठीक है तो आज आज इतना तक रखते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तो मैं लेकर आऊंगा वही एमसीक्यू का सेशन एंड एक जो है स्कीम्स का सेशन भी मैं लेकर आऊंगा बीभा इनक्रेडिबल सेशन थैंक यू सर रुचिर, तो मैं वो एमसीक्यू का का सेशन सेशन, लेकर एंड एक स्कीम ठीक है? प्रणय वेरी हेल्पफुल सेशन थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच प्रणय प्रथमी पाटिल वेरी हेल्पफुल एंड नाइस लेक्चर सर थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच प्रथमी ठीक है तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि एक दो दिन के अंदर तुम लोगों को पता चल जाएगा कि एक जो है वो एम सी क्यू सेशन मैं लेकर आऊंगा बजट के ऊपर एंड उसके बाद जो है बजट में जो स्कीम्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं उसके ऊपर मैं एक इन डिटेल जो है एक सेशन लेकर आऊंगा और ये स्कीम्स के साथ साथ बाकी जो बचे जो फाइनेंशियल स्कीम्स है उसको भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में इसी के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछेगा एंड इंटरव्यू में भी ठीक है चलो चलो थैंक यू क्लास तो मिलते हैं नेक्स्ट डे तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू